सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग यहा था शानदार शुरू करें इंडायरेक्ट टैक्स शुरू करें क्या ओके सर सी ए सी एस सी ए फाइनल सरकार दिस इज अ फुल कोर्स बैच सबसे पहली बात इट्स नॉट अ फास्ट ट्रैक बैच ये कोई क्रैश uh, कोर्स नहीं है कोई रिविजनरी बैच नहीं है इट्स अ फुल कोर्स बैच फुल कोर्स बैच मीन्स एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन डेप्थ सी ए इंटरमीडियट नहीं पढ़ा है सर इसका मतलब ये नहीं कि आपने आर्टिकलशिप नहीं करी है sir, इसका मतलब जो जीएसटी पढ़ा होगा आर्टिकलशिप में बहुत सारे काम किए होंगे वो तो आपको याद बिल्कुल भी नहीं है सो वी बहुत सारे लोग तो घबरा गए सर ये क्या बोल रहे हैं सो डोंट वरी मैंने नहीं लिया है कि सर वी आर रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम आपने लाइफ में कभी जीएसटी का नाम नहीं सुना है सर वी आर रीडिंग इंडरा टेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम आपने सी एंटर इंटर्म, जो पढ़ा है आपने वो सब आप सर दिल की बात कह दी सर सर जो भी पढ़ना है पहली बार पढ़ना है एंड सर आर्टिकल में नो डाउट आपने काम किया होगा अच्छा काम किया होगा पर फिर भी सर पढ़ाई के लिए हम अलग से पूरा शुरू से लेके एंड तक पढ़ेंगे सर करिएगा okay, सर अब मैंने एक बात आपसे कह दी कि एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर पर सर राइट फ्रॉम द स्क्रैच टिल टॉप वी वीड टू कवर पर सर मेरे को आपसे कमिटमेंट ये चाहिए कि जो हमने आज यहां पढ़ा होगा वो सेम डे आपको जाके आपके एंड पे रिवाइज करना है दैट्स इट क्लियर एंड सर दो तीन लेक्चर होने के बाद आपको समझ में आएगा कि जब मैं यहां पढ़ा रहा हूं उसमें आपको टाइम बहुत कम लगेगा घर जाने के बाद ठीक है मैं तो कह रहा मित्र पांच लेक्चर जाने दो पांच आप रिवाइज करिए फिर आपको खुद को समझ में आएगा कि टाइम आपको कितना लग रहा है रिविजन में ओके बच्चों पर पॉइंट ये है कि आपको सेम डे रिवाइज करना भले ही पंद्रह मिनट लगे आधा घंटा लगे वन आवर लगे वी डोंट केयर पर सर सेम डे रिवाइज होना चाहिए अगर आपने सेम डे रिवाइज किया तो सर जो आज हम पढ़ने वाले हैं मेरा प्रॉमिस आपसे है कि लास्ट डे आपको याद रहेगा वो कैसे याद रखवाना है वो मेरा काम है सर ठीक है और याद रखने का आपको कोशिश भी नहीं करना पड़ेगा याद ऑटोमेटिक हो जाएगा सर क्लियर लास्ट में आप कंफर्टेबल नहीं तो आगे आ, आ, आ जाओ यार आराम से इफ यू आर कंफर्टेबल तो ठीक है अदरवाइज इधर आगे आ जाइए सर <coughs> okay, सर ओके और आपके बैग्स जो है वो प्लीज साइड में रख दो यार तो हो पाएगा सर अरेंजमेंट ओके <coughs> okay, चलिए सर शुरू करें इंडारे टैक्स पक्का ओके सर ऐसे नहीं यार मजा नहीं आएगा अरे शुरू करें क्या पक्का देखो गला केवल मेरा खराब नहीं होगा आपका भी खराब करवा के भेजूंगा ध्यान रखना सर ओके चले सर शुरू करते हैं हम बात ओके और जो भी वीडियो क्लास में है आप सबको भी मेरे साथ बात करनी है, मतलब करनी है सर आप और हम साथ में बैठे बात खत्म और आपके लिए तो सर केवल आप और मैं ही बैठे क्लियर सर तो सबकी आवाज आनी चाहिए और वीडियो क्लास में जो बैठे उनकी भी आवाज में सुन रहा हूं ध्यान रखना ऊपर वाला सब सुन रहा है सर शुरू करते हैं हम बात को इनडायरेक्ट टैक्स आईडी सर सबसे पहली बात बेसिक कॉन्सेप्ट बात कर रहा हूं हो सकता है सर नेक्स्ट वन आर टू आर पढ़ाने वाला हूं शायद आपने सुना होगा शायद आपको आता भी होगा क्लियर शायद आपने कहीं कोई वीडियो या कहीं आर्टिकल में या कभी न, कभी देखा होगा पर मैंने क्या प्रेज लिया है हमको तो कुछ भी नहीं आता हम तो शुरू से पढ़ना है सर बात खत्म क्लियर अच्छा मैंने बोला कुछ भी नहीं आता मतलब इगो मतलब ना हो मंगल हो सब तेरे को याद है क्या सर ऐसा नहीं है यू नो एवरीथिंग बट सर पढ़ाई के पर्पज के लिए हमको हर एक चीज कनेक्ट करनी है सबसे बड़ी बात क्या है सर कनेक्टिंग कनेक्टिंग ईच एंड एवरी पॉइंट फ्रॉम सर स्क्रैच टिल टॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर हर इंडिविजुअल टॉपिक हो सकता है सबको आते हो पर सर हर एक पूरा इंडायरेक्ट टैक्स एज अ होल आना बहुत बहुत जरूरी है बहुत इंपॉर्टेंट है सर तो सर शुरू कर रहे हैं हम हम yes. पका चलिए सर शुरू करते हो हम इंडायरेक्ट टैक्स आईडी सरकार आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें कभी नाम सुना आपने इसका मैंने ये बोला है आपको कि सर आपको आता कुछ भी नहीं इसका नाम नहीं सुना यार नाम तो सुना ही होगा आपने सर इनडायरेक्ट टैक्स नाम सुना क्या आपने मतलब पहले झूठ बूढ़ होता है ऐसा सर इनडायरेक्ट टैक्स चलिए सर सबसे पहली बात वोट डू मीन बाय इन टैक्स क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स यस सर वॉट डू मीन बाय इन टैक्स हाँ जी अच्छा एक बात और मैंने प्रेजन लिया आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं इट मींस आपको एक कॉमन सेंस आंसर देना है सर आई डोंट नीड बुक का आंसर आई डोंट नीड कोई टेक्निकल आंसर ये सर इन डायरेक्ट होता क्या है सर बर्डन इज ऑन दी इज ऑन दी कंज्यूमर मतलब बर्डन इज शिफ्टेड टू समी एल्स ओके चलिए सर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है यस आंसर आपसे चाहिए भाई भले ही पढ़ाने में आया हूं पर पढ़ा हो गया मेरे को यस सर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है टैक्स इनकम और कुछ और कुछ अ टैक्स द बार्डन ऑफ विच इज नॉट ट्रांसफर्ड ओके एग्जाम्पल कोई इनकम टैक्स मेरी इनकम मेरे को टैक्स पे करना है अपने लॉस ही होता है बेटा तो टैक्स की बात आती नहीं सर सर आपकी इनकम आपको टैक्स पे करना है सर क्लियर इन टैक्स का कोई एग्जाम्पल जीएसटी सर कस्टम्स ओके सर्विस टैक्स एक्साइज वेट ओके बाकी और लिस्ट बाद में पढ़ेंगे हम सर जीएसटी एक एग्जांपल लो ना सर कि हाउ दिस टैक्स इज चार्ज हाउ बर्डन इज शिफ्टेड कैसे टैक्स ऑन कंज्यूमर लगता है सर येस सर कोई एग्जांपल कोई क्या एग्जांपल आप रोज एग्जांपल रोज आप कुछ ना कुछ परचेस करते हो या चोरी करते हो सर अरे आपने जो तो शर्ट कपड़े पहने हैं सर ये कहीं खरीदे कि चोरी करके लिया है परचेज किया ना आपने कुछ जीएसटी पे किया कि नहीं किया आपने किया ओके okay. तो क्या क्या होगा सर आपने जब आपने आ, किसी शॉपिंग मॉल में गए होंगे या शोरूम पे गए होंगे आप सर आपने क्या क्या होगा शर्ट परचेज किया होगा मान लो रुपीज का शर्ट था सर वो हूं तो कर लो कम से कम yes. अच्छा एक बात और सर कई बार मैं समझता हूं यू नो बहुत, you know, बहुत थक जाते हो आप जिंदगी के अंदर तो हां बोलने में बहुत तकलीफ आती है आपको सर तो वहां हूं भी चलेगा सर मेरे को ओके okay? अभी भी हूं नहीं आया ऐसे नहीं चलेगा ऐसे नहीं हूं तो चाहिए सर अरे क्लियर ओके okay, तो सर आपने जब शर्ट परचेज किया मानो थाउजेंड का वो शर्ट था सर जब थाउजेंड में आपने शर्ट परचेज किया उस पर जीएसटी पे किया होगा सर yes, किसको डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे किया yes, पे तो क्या होगा सर आपने yes. किसको पे किया yes, सप्लायर को जिसका शोरूम था जिसकी दुकान थी उसको सर yes, फिर उस तुमने पॉकेट में रख लिया सा? Yes, yes, उसने किसको पे किया आवाज नहीं आ रही सर गवर्नमेंट को हाँ है ना सर yes, किससे लिया उसने आपसे दिया किसको मतलब अल्टीमेटली लेने वाला कौन गवर्नमेंट देने वाले कौन yes, आप लोग सर अगर आपने डायरेक्टली टैक्स दे दिया होता गवर्नमेंट को दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स पर सर लिया तो आपसे ही है थ्रूसम अदर पर्सन लिया है लिया आपसे है पर डायरेक्टली आपसे नहीं लिया है इनडायरेक्टली लिया है थ्रू समबडी एल्स लिया है दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स देख रीजन सिंपल है इनकम टैक्स टू पॉइंट फाइव लगते कि इनकम पे टैक्स है ही नहीं सर पर आपने अगर ये दस रुपए का पेन भी परचेज किया है हूं तो कर लो रे सर दस रुपए का पेन भी परचेज किया है उस पर भी जीएसटी है सर आप सोचो दस रुपए पे अगर एटीन परसेंट वन पॉइंट एट रुपए का टैक्स लगता है सर वन क्या आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर पाते आप सोचिए प्रैक्टिकली सर आप क्या आप वन पॉइंट एट रुपए दो रुपए टैक्स क्या आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर देते है? क्या गवर्नमेंट डायरेक्टली आपसे ले पाता नेवर नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली सर हा इनकम टैक्स में आप सोचिए टू पॉइंट फाइव एक्स से अब अगर इनकम होगी तो ही इनकम टैक्स लगने वाला है हा है ना तो वहां डायरेक्टली आपसे टैक्स लग लेंगे दैट इज पॉसिबल बट सर इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी दीज आर टैक्सेज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज यहां वैल्यू कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है सर बट इट्स नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम ईच एंड एवरी कंज्यूमर है ना सर दैट्स वहां सिस्टम क्या रखा इनडायरेक्ट रखा कोई मजा नहीं आ रहा सिस्टम को इनडायरेक्ट करने में सर मैकेजम टू कलेक्ट द टैक्स टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ईजी हो जाएगा सर उस केस में क्योंकि सप्लायर है मैन्युफैक्चरर है वो अगर टैक्स पे करेंगे वो तो सर लाखों करोड़ों का अमाउंट का गुड्स सेल करते हैं सर हा है ना भाई और मंथली बेस पे टैक्स पे करना उनको यस या नो क्लियर इसलिए वहां पे क्या बोला सप्लायर कस्टमर से टैक्स लेगा एंड गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा क्लियर दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स या ना आवाज नहीं पका हंड्रेड परसेंट ओके यार चलो एक काम और करते हैं अब ये डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो <coughs> सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स या टैक्स बात करने से पहले आप मुझे बताओ आखिर ये टैक्सेस क्या होते हैं जी सर सबसे पहली बात ये टैक्सेस क्या होते हैं हाँ मलिक डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स व्हाट डू मीन बाय टैक्स गवर्नमेंट्स इनकम सर टैक्सेस आर द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट एक मिनट टैक्सेस आर द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट ओके टैक्सेस आर दी रेवेन्यू ऑफ दी हु इज द गवर्नमेंट चलिए सर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है सर ये सेंट्रल हो या स्टेट हो चलो सेंट्रल हो या स्टेट हो छोड़ो गवर्नमेंट कौन होता है बताओ मुझे आप रेगुलेटरी बॉडी यस यस और और अच्छा कॉमन सेंस वाला आंसर चाहिए सर बुक का आंसर नहीं हो चलेगा सर मेरे को भी याद नहीं बुक का दो हाँ गवर्नमेंट हु इज द गवर्नमेंट क्या कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन यस और कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेटरी बॉडी और अच्छा बहुत सारे लोग सर आवाज नहीं आ रही सर बस हम तो बैठने आए हैं आप आईपीएल में चल रहा आगे सर सर <laughs> ये सर प्लीज इंटरेक्ट करो मजा आएगा आपको भी मेरे को भी सर ओके सर वरना वीडियो क्लास ही सर, भी बहुत ही सर अरे ना इंटरेक्टिव होना चाहिए तो मजा आएगा आपको भी और मेरे को भी सर ओके सरकार बताइए गवर्नमेंट कौन अच्छा गलत होगा आंसर चलेगा सर कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है यस सर गवर्नमेंट क्या होता है गवर्नमेंट हा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑफ पीपल हम पका चलो मैं इसको और स्ट्रक्चर्ड वे में बता देता हूं गवर्नमेंट को बताया आपको आप हो गवर्नमेंट आप हो गवर्नमेंट आप हो गवर्नमेंट, आप हो गवर्नमेंट हम सब ए गवर्नमेंट अरे भाई इंडिया में क्या है डेमोक्रेसी मीन माई डेमोक्रेसी ऑफ़ पीपल बाय पीपल एंड फॉर दीपल हा है ना सर कौन है गवर्नमेंट पता है हम सब ए गवर्नमेंट क्लियर सर जनता जो बोलेगी वो होगा कोई प्रेसिडेंशियल रूल नहीं है कि राजा ने बोल दिया और वो काम करना है बात कदम ऐसा नहीं है सर जो हम बोलेंगे वो होगा देश कौन चलाएगा ओ हो 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 <laughs> हो <हम लो... laughs> सर हु इज द गवर्नमेंट अभी तक वो आवाज नहीं आ रही सर अच्छा जबरदस्ती आवाज नहीं चाहिए सर गवर्नमेंट कौन सर अच्छा डेमोक्रेसी सर फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा मतलब सर ये देश कोई एक राजा नहीं चला रहा है सर ये देश हम सब मिलके चलाएंगे सर हम सब मिलके सर इस देश के सारे लॉज बनाएंगे हम सब मिलके इस देश के जितने भी एक्ट है जितने भी कानून है वो सब बनाएंगे हम सब इसको एडमिन करेंगे हम सब इसको गवर्न करेंगे कैसे करेंगे सर सर देश में अराउंड 130 करोड़ प्लस पब्लिक है सर मैंने क्या कहा हूं तो करना ही पड़ेगा सर आपको <coughs> हाँ में वो तकलीफ होगी आपको सर नो no डाउट पर सर हो तो करना ही पड़ेगा सर आप मुझे बताओ इन आर कंट्री मोर देन वन थर्टी करोड़ पब्लिक इज देयर यस या नो आप मुझे बताओ सर अगर हम सब है गवर्नमेंट हम सब अगर देश को चलाएंगे वन थर्टी करोड़ प्लस पब्लिक मिलके अगर देश का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो सर यू टेल मी किस तरह से सर हम लॉज को बनाएंगे वन थर्टी करोड़ प्लस पब्लिक मिलके किस तरह से देश को चलाएगी सर कोई लॉ बनाना होगा कोई एक्ट बनाना होगा जीएसटी के अंदर कोई अमेंडमेंट करना है सर कंपनीज एक नया आया था जीएसटी नया आया था कैसे लेके आएंगे हम लोग सर इसलिए हम लोगों ने क्या किया सर 130 करोड़ लोग एक साथ डिसीजन नहीं ले पाएंगे इसलिए हम लोगों ने क्या किया हमारे बीच में से ही वेल मैनर्ड वेल एजुकेटेड जो लोग थे रास्ते क्या हो ए? जो हमारे बिहार पे डिसीजन ले पाएंगे सर हमने हमारे बीच में से ही जो वेल मैनर्ड वेल एजुकेटेड जो हमको रिप्रेजेंट कर पाए सर उनको हमने इलेक्ट किया हा है ना भाई देश के नेता लोग कौन है सर हमारे रिप्रेजेंटेटिव उनको हमने ही अधिकार दिया हमको रिप्रेजेंट करने का यस yes या नो no. सर हमने क्या किया वेल मैनर्ड वेल एजुकेटेड लोगों को इलेक्ट किया थ्रू इलेक्शन प्रोसेस एंड सर दे आर रिप्रेजेंटिंग अस एज ए गवर्नमेंट हाँ है ना भाई क्लियर मतलब सर अल्टीमेटली अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सर पार्लियामेंट हाँ है ना सर संसद क्लियर सर अगर मान लो अंधेरी से कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इट मीन्स दैट पर्सन इज रिप्रेजेंटिंग एन एंटायर अंधेरी हाँ है ना मालिक yes. सर अगर कोई <coughs> बोरीवली से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मतलब दैट पर्सन इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द पीपल ऑफ हु दिलीज इलेक्टेड हिम दैट कि वो कैपेबल है हमारे डिसीजंस को हमारी बात को रखने के लिए हा है ना भाई क्लियर yeah. तो सर अल्टीमेटली हम सब ने सबके क्या कर दिया सर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो हम पार्लियामेंट बना दी सर अरे क्या बना दी सर yeah. पार्लियामेंट और अल्टीमेटली सर पार्लियामेंट ने कोई डिसीजन लिया मतलब किसने लिया है सर हमने लिया है हा ना सर सर इसलिए आपने भी सुना होगा अगर देश के अंदर कोई भी एक्ट बनता है कोई भी लॉ अगर बनता है तो सर कहां से बनता है पार्लियामेंट से बनता है सर फाइनेंस बिल जब प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट के अंदर तो वो बिल होता है जब तक वो पास नहीं हुआ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से तब तक वो एक्ट नहीं होता है फाइनेंस बिल होता है जब तक वो पास नहीं हुआ जब वो पास होता है तब जाके बनता है क्या फाइनेंस एक्ट हा है ना भाई क्लियर वो किसने पास किया होता है फाइनेंस बिल किसने पास किया होता है बहुत हाउस ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट कौन है सर आवाज यारी सर पार्लियामेंट कौन है हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव है पार्लियामेंट ने कोई डिसीजन लिया मतलब हमने डिसीजन लिया है हाँ है ना सर क्लियर समझे मेरी बात आवाज नहीं आ रही हो इसलिए इसलिए अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के जितने भी पावर्स हैं गवर्नमेंट के जितने भी पावर्स है ऑल पावर्स आर पार्लियामेंट्री पावर्स ऑल पावर्स आर पार्लियामेंट्री पावर मतलब अगर नया लॉ बनेगा कौन बनाएगा आवाज यारी देखो यार पार्लियामेंट पार्लियामेंट मतलब हम लोग अरे ऐसे नो अच्छा गवर्नमेंट कौन हम बस सिंगल आंसर आना चाहिए गवर्नमेंट कौन आ, हम सारे लॉज कौन बनाएगा हम थ्रू पार्लियामेंट लॉ में अमेंडमेंट करना है कौन करेगा आ, हम कैसे आ, थ्रू पार्लियामेंट इसलिए गवर्नमेंट के जितने भी पावर से, वो सब क्या है सब पार्लियामेंट्री पावर है सर बिना पार्लियामेंट के कोई भी लॉ पास नहीं होता सर बिना पार्लियामेंट के कोई अमेंडमेंट नहीं होता सर हाँ ना अगर पुराना पुराना लॉ कोई हटाना है कौन हटाएगा पार्लियामेंट नया लॉ लाना है कौन लाएगा पार्लियामेंट सर पुराने लॉ में कोई अमेंडमेंट करना है कोई चेंज करना है कौन करेगा अगर लॉ के अंदर छोटा सा भी चेंज करना है कौन करेगा क्योंकि पार्लियामेंट कौन अच्छा जो बात मैं कर रहा हूं वो लॉजिकल समझ मार या मैंने बोल दिया असली मान रहे हो आप लॉजिकल समझ मारे ना सर ध्यान देना बच्चों सर गवर्नमेंट कौन तो जब सारे कानून बनाए हमने तो हर एक चीज लॉजिकल होगी इलॉजिकल होगी सर आप सोचो ना आप हाँ ध्यान देना गवर्नमेंट ऑफिसर्स या कुछ नेता लोग हो सकता है चोर पर गवर्नमेंट चोर नहीं है गवर्नमेंट कौन है बोलो हम चोर है नहीं सर <laughs> समझे आप मेरी बात क्लियर कुछ ऑफिसर्स हो सकता है अपनी रेस्पॉन्सिबिली पूरी नहीं कर रहे कुछ नेता लोग हो सकता है अपना पावर का मिस कर रहे बट सर गवर्नमेंट चोर नहीं है गवर्नमेंट कौन आप देखना सर अगर मान लो रिक्वायरमेंट होगी इंडस्ट्री की एनवायरमेंट की इंडस्ट्री एनवायरमेंट uh, की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो लॉ के अंदर अमेंडमेंट होता है होता कि नहीं होता आप मुझे बताओ yes, होता कि नहीं होता मुझे बताओ आप yes, क्लियर सर कौन करता है हम लोग करते थ्रू पार्लियामेंट चलो यार एक चीज बताओ <coughs> सारे अमेंडमेंट कौन करेगा सर हम मतलब पार्लियामेंट सर आप समझना बात को ध्यान से हम मतलब पार्लियामेंट नया लॉ लाना कौन लाएगा कोई लॉ में अमेंडमेंट करना कौन करेगा तो यार पार्लियामेंट क्या ऑल थ्री सिक्सटी फाइव डेज इन ईयर वर्क करती है क्या नहीं पार्लियामेंट के सेशन होते हैं सर हाँ ना सर yes, सर पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं सर और लगभग दो सेशन के बीच में ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूं होता बताया लगभग ढाई से तीन महीने का सर हाई ना मालिक yes, सर मान लो अच्छा मैंने बोला ना मान लो तो आपको बोला मान लिया ऐसे नहीं अब दो सेकेंड फर्स्ट दिण में सर सर मान लो सरकार पार्लियामेंट का कोई सेशन कल कल ही खत्म हुआ सर ओके okay, अब नेक्स्ट कब आएगा सर लगभग ढाई तीन महीने बाद सर अब सर पार्लियामेंट का सेशन कल खत्म हुआ है और आज मान लो मुंबई के अंदर इतनी बारिश आई इतनी बारिश आई सर कि हर तरफ पानी पानी वो ब्लू है पानी पानी सुना बेटा ब्लैक है पानी पानी सर 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 अजो बिटा गया इधर सर सुनना बात विधान से सरकार अब पॉइंट ये हर तरफ पानी और पता है आपको देश का लगभग लगभग नाइन्टी परसेंट शुगर कहां स्टोर होता है पता है आपको मुंबई पता है आपको सर मुझे मजा आता पढ़ाने में सर जब आपको कुछ भी पता नहीं होता ना सर तो इसलिए मैं शुरुआत में बोलता था आपको कुछ भी नहीं आता सर जो पढ़ा है सही है अब सुनना बात है मान लो 90 परसेंट से ज्यादा शुगर मुंबई में स्टोर होता है और सर इतनी बारिश आई सब तरफ पानी पानी शक्कर खराब हो गई सर पिघल गई हाँ चाशनी बन गई वेरी गुड बेटा गुलाब जामुन बना देना उसके अंदर ब्लैक पानी में सर ओके okay, सर शक्कर खराब समझ ना तो मतलब से एक इमेजिन करो सिचुएशन को सर आप पॉइंट ये है मेरा आपसे कि अगर देश की लगभग लगभग सारी शक्कर खराब हो गई है विच इज अ गुड्स ऑफ बेसिक नेसेसिटी सर रोज चाहिए सर ऐसा तो नहीं है आज शक्कर नहीं तो चलो चाय में नमक ही डाल देते सर तू नहीं तो तू भी चाल से ऐसा <laughs> नहीं ना सर शक्कर का काम तो शक्कर ही करेगी सर अब सर देश की लगभग लगभग सारी खराब अब आप सोचो गुड्स ऑफ बेसिक नेसेसिटी डिमांड तो उतना का उतना। सप्लाई अगर एकदम कम हो जाए तो क्या होगा प्राइसेज हाइक हो जाएगी शुगर की सर अब शुगर जैसी गुड्स की अगर प्राइसेज इतनी हाइक हो जाए सोचो इन्फ्लेशन रेट का क्या होगा हा है ना सर आप मुझे बताओ अब ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए या ऐसी सिचुएशन के अंदर डील करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए क्या मोदी जी आके बोल देंगे मेरे प्यारे किसान भाइयों हमारे देश के अंदर शक्कर खराब हो गई है शक्कर की बहुत डिमांड है आप जाइए अपने फार्म पर शुगर केन प्रोड्यूस करिए कल परसों में हमको शक्कर चाहिए आप उगा सकते हैं कि नहीं उगा सकते सर इट्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बस टाइम लगेगा ना सर शुगर किन प्रोड्यूस होगा सर टाइम लगेगा अपने हिसाब से देन फैक्ट्रीज में जाएगा देन प्रोसेस होगा देन जाके शुगर बनेगी सर तब तक क्या शुगर फ्री आप मुझे बताओ उस टाइम के लिए जब तक सर अब बताओ नया शुगर बनने में टाइम लगेगा देश का लगभग लगभग सारा शुगर खराब हो चुका है मीन वाइल क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को सर सर जीएसटी भी तो कर रहा हूं एक कम क्या एग्जाम कर दे चलो अब बताओ तो भी क्या शक्कर मिल जाएगी लोगों को क्या शक्कर का डिमांड तो पूरा करना पड़ेगा ना सर अब देश का सारा शक्कर खराब हो गया खत्म हो गया एंड सर नया शक्कर बनने में टाइम लगेगा तो गवर्नमेंट को उस टाइम पे क्या करना चाहिए इंपोर्ट ऑफ शुगर को प्रमोट करना चाहिए उस पर्टिकुलर मोमेंट पर सर अब इंपोर्ट ऑफ शुगर को अगर प्रमोट करना चाहिए तो क्या करना चाहिए उस पर लगा देना चाहिए या कस्टम्स माफ कर देना चाहिए कम कर देना चाहिए एग्जिम करना चाहिए सर हा है ना सर तो कस्टम्स ड्यूटी अगर कम करनी है किसी गुड्स पर मतलब लॉ के अंदर अमेंडमेंट करना मालिक अमेंडमेंट कौन कर सकता है सर पार्लियामेंट का सेशन कब खत्म हुआ सर कल नेक्स्ट सेशन कब होगा अराउंड टू टू थ्री मंथ बाद में सर तब तक क्या करेंगे हवा न करेंगे हवा न करेंगे ऐसा सोचो मतलब ऐसे केस में अब समझना देश का लगभग लगभग सारा शक्कर खराब हो गया है सर सर इंपोर्ट पर कस्टम्स कम करना 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 है सर। करना है है लॉ के अंदर अमेंडमेंट पार्लियामेंट का सेशन अब अगले दो तीन महीने बाद आएगा तब तक क्या करें सर क्या मोदी जी बोल देंगे मेरे को कल हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कल दिन में दो बजे आ चाहिए भले उड़ के आए तैर के आए कोई नायक मूवी चल रही है क्या ऐसा अरे हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिजी है सर उसको पांच साल मिले करप्शन काम करने के लिए सर सर ना बात को ध्यान से इतनी मेहनत करते हैं सर हमारे को रिप्रेजेंट करते हैं सर हाँ है ना बेटा तो सर आप मुझे बताओ अब रातों रातों सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ नहीं सकते क्लियर अब ऐसे केस में क्या करें इसलिए इसलिए इस तरह की सिचुएशंस के लिए सर हमने कुछ पावर्स गवर्नमेंट को डेलीगेट किए जिनको क्या बोलते हैं डेलीगेटेड पावर्स हमने सर सेक्शन नंबर ट्वेंटी फाइव बनाया कस्टम्स एक्ट के अंदर और हमने लिखा क्या गवर्नमेंट हैज द पावर टू ग्रांट एक्जिबिशन टू एनी ऑफ द गुड्स फ्रॉम द लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटी हमने सेक्शन नंबर इलेवन बनाया जीएसटी के अंदर गवर्नमेंट हैज द पावर टू ग्रांट एक्जीबिशन टू एनी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द लेवी ऑफ जीएसटी सर हमने सर कई सारे ऐसे सेक्शन आपने भी पढ़ेंगे इनकम टैक्स एक्ट में कंपनीज एक्ट में कई सारे सर सेक्शन पढ़े जहां पढ़ा होगा गवर्नमेंट हैज द पावर बोर्ड हैज पावर हा या ना पर क्या सारे सेक्शन पड़ा क्या हमने कुछ पावर्स गवर्नमेंट को क्या कर दिए डेलीगेट कर दिए इनको बोलते हैं क्या डेलीगेटेड पावर्स समझे आप मेरी बात सर और वो डेलीगेटेड पावर हमने दिए गवर्नमेंट को सिलेक्टेड सेक्शन में दिए सिलेक्टेड चीजें दी कि यही यहां पर बिना पार्लियामेंट के सेंक्शन के आप अमेंडमेंट कर सकते हो आप चेंज कर सकते हो डेलीगेटेड पावर के थ्रू आप लॉ के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हो सर इसलिए आपने देखा होगा फाइनेंस बिल तो साल में एक बार आता है पार्लियामेंट से फाइनेंस एक्ट तो साल में एक बार बनता है फिर भी साल भर अमेंडमेंट होते रहते हैं कहां से होते है सर नोटिफिकेशन इश्यू होते, है सर? से होते है सर? हाँ ना सर, सर? कहा से इश्यू होते हैं हमने पावर दे रखा है सर हमने गवर्नमेंट को पावर दिया गवर्नमेंट द पावर हमने गवर्नमेंट को बोला कि ठीक है सर डायरेक्ट गवर्नमेंट का जो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट होगा सर वो डायरेक्ट क्या कर देंगे सर नोटिफिकेशन इशू करके ये अमेंडमेंट कर देंगे पर सारे अमेंडमेंट करने का पावर नहीं दिया कुछ जगह जहां हमको लगता था कि यहां पे इट इज रिक्वायर्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट जनहित में जारी करने के लिए या इमरजेंसी सिचुएशन होगी तब सर पार्लियामेंट को नहीं बुलाना पड़े और वहां पर डायरेक्ट डेलीगेटेड पावर के थ्रू काम हो जाए वहां उन कुछ सेक्शन के अंदर हमने क्या किया भाई अमेंडमेंट हमने सेक्शन इस तरह से बनाया कि गवर्नमेंट को पावर दे डाला हा या ना समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है सर आवाज नहीं आ रही सर हा पता है सर अब समझना ध्यान से ये सब बातें मैंने मैंने ये सब पंचायती क्यों करी पंचायती करी ना सर हूं कौन बोल रहा हो सर ये सब बातें मैंने क्यों करी समझना बात हो ध्यान से क्योंकि लेक्चर नंबर वन में ही आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना कितना पढ़ना आप रिलेवेंट क्या है सर ओके सर एस एस सी ए फाइनल एग्जाम्स आर कंसर्न अगर आपके एग्जाम्स नवंबर 2023 में है सर तो एज पर पॉलिसी ऑफ दी ऑल अमेंडमेंट्स सर एग्जाम मंथ को छोड़ दो उससे पहले सिक्स मंथ जो एप्लीकेबल हो गए दो हजार रिलेवेंट मतलब थर्टीए अप्रैल थर्टीएत अप्रैल 2023 के जो तक के जो अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो जाएंगे वो आपके लिए रिलेवेंट होंगे सर क्लियर एंड सर जिनके भी एग्जाम्स मे 2024 में होंगे सर उनके लिए थर्टी अक्टूबर 2023 के तक के अमेंडमेंट जो एप्लीकेबल हो जाएंगे इफेक्टिव हो जाएंगे विल बी रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स हाँ है ना बच्चों क्लियर इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर ये जो हम सेशन पढ़ रहे हैं अभी सर इसके अंदर सर वी विल बी कवरिंग ऑल अमेंडमेंट टिल थर्टी अप्रैल एप्रिल टू जो इफेक्टिव हो गए जो एप्लीकेबल हो गए सर क्लियर अच्छा सर जिनके भी एग्जाम्स मे 24 में होंगे सर उनके लिए अमेंडमेंट्स अलग से यूट्यूब uh, पे अपलोड हो जाते हैं सर उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो सर हाँ है ना भाई सर पर अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है बेसिक कॉन्प्ट क्लियर है तो अमेंडमेंट्स आर मियरली इंप्रूवमेंट इन द लॉ और रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री सर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लॉ के अंदर अमेंडमेंट करते हैं अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सर कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है सर अमेंडमेंट से कभी भी क्लियर सेकंड थिंग अगर आपके एग्जाम्स नवंबर 23 में में तो ऑल दो फाइनेंस एक्ट 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री पास हो चुका है क्लियर एक्ट बन चुका है पर सर वो रिलेवेंट नहीं होता है ना भाई तो फाइनेंस एक्ट के थ्रू तो जो अमेंडमेंट होंगे प्लस इन दो डेट के बीच में जो अमेंडमेंट्स जो नोटिफिकेशन इशू होंगे होंगे वो मई ट्वेंटी फोर के लिए एडिशनली अलग से पढ़ लेंगे हम यूट्यूब सर क्लियर पका तो अभी हमारे लिए जो एप्लीकेबल है नवंबर 23 एग्जाम्स के लिए थर्टी अप्रिल टू थाउजेंड वी आर गोइंग टू कवर तो सर समझ में आया हमको क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है आवाज नहीं आ रही पक्का तो गवर्नमेंट कौन अच्छा ऐसे ऐसे देश ऐसे चलाओगे सर, चलाओ सर। गवर्नमेंट कौन अच्छा हम गवर्नमेंट चलो गवर्नमेंट कौन हम अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था आर दी टैक्सेस आर दी रेवेन्यू ऑफ दी रेवेन्यू ऑफ दी गवर्नमेंट गवर्नमेंट कौन गवर्नमेंट uh -huh. कौन हम टैक्स कौन पे कर रहा uh -huh. हम पे कर रहे किसको पे कर रहे uh -huh. हमको ही पे कर रहे भाई क्या बात कर रहे हो सर यस टैक्सेस क्या इट्स अ काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड इट्स अ काइंड ऑफ कंट्री सर आज रोड बनानी सर पुलिस वालों ओपन करने है पुलिस वालों को ओपन करना है सर आर्मी ओपॉइंट करनी रेलवे स्टेशन बनाना है एयरपोर्ट बनाना है सर पूरा डेवलपमेंट करना है देश के अंदर कौन करेगा हम करेंगे सर कैसे करेंगे हम हाईवे पहुंच जाएंगे सर रोड बना देंगे सर आज आप बोलो आप <laughs> सर सीए फाइल आईल से जलाई तो सर रोड बनाना है सर हम रोड बना देंगे सर कैसे बनाएंगे सर पैसा चाहिए ना सर कहा से आएगा भाई हम सब काउंट्री करेंगे कितना काउंट्री करेंगे वो ये डिसाइड करेगा सर हाँ सर? कितना किसको काउंट्री कर रहा है जो अमीर लोग उनसे टैक्स लो गरीब लोगों से टैक्स मत लो हा है ना सर जिसकी इनकम कम उसपे टैक्स कम जिसकी इनकम ज्यादा उस पर टैक्स ज्यादा चार सौ करोड़ रुपए याद है बेटा सर पास वालों को मिले ना सर सर सुनना उनसे टैक्स लो सर कोई दिक्कत नहीं है सर गवर्नमेंट खुद बोलती है सर सुनना बात को ध्यान से अब सरकार पॉइंट ये है कि सर टैक्सेस आर रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नमेंट कौन हम लोग सो so, अल्टीमेटली देश के अंदर जो पूरा इंफ्रा डेवलप हुआ है आज पुलिस की सैलरी हो गई सर आज आर्मी पर्सनल हो गए अरे है हाँ ना सर आज रेलवे हो गया रोड हो गई सर एयरपोर्ट हो गई ये सब कौन चलाएगा पूरा इंफ्रा कौन चलाएगा पूरा सिस्टम कौन चलाएगा आप सोचिए सर अगर सिग्नल पे दो दिन ट्रैफिक पुलिस वाले पर्सन नहीं हो अपनों लगता है अरे यार, यार वो खड़े पर वो नहीं हो ना देख लो ट्रैफिक का हाल क्या हो सर है ना सर तो उनका सैलरी से निकलेगा सर हा है ना हम लोगों से हम लोग क्या करेंगे सर कॉन्ट्री करेंगे क्या टैक्सेस के नाम से सर हा है ना सम टैक्सेस आर डायरेक्ट सम आर इनडायरेक्ट दीज आर मैकेनिज्म टू कलेक्ट द टैक्स टैक्स इज फ्रॉम दी सर पब्लिक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया हा है ना भाई अरे क्लियर पक्का हंड्रेड परसेंट सर आउट ऑफ इंडिया वाले लोग इंडिया में आकर अगर बिजनेस कर रहे हैं तो दे आर यूजिंग द इंफ्रा ऑफ इंडिया सो so, उनसे भी रेवेन्यू का पार्ट लेना पड़ेगा हाँ है ना सर इसलिए उनसे भी टैक्स लगता है अगर आउट ऑफ इंडिया से गुड्स इंडिया में आ रहा है तो उसमें लगता है कस्टम ड्यूटी लगता है बेटा हा है ना भाई yes, सर ऐसा नहीं कि कस्टम कोई अभी नया कोई लगाया सर ऐसा नहीं है सर राजा महाराजा के टाइम पे राजा अपनी प्रजा से लगान लेती थी सर लगान याद है बेटा वो आमिर खान याद आया बेटा आपको वहां मत पूछो यही रो बेटा आप सर अब पॉइंट मेरा आपसे ये कि सरकार लगान अगर सर लैंड रेवेन्यू लगान राजा अपनी प्रजा से लैंड रेवेन्यू लगान लेता था सर पर अगर दूसरे राज्य से दूसरे स्टेट से अगर कोई पर्सन अपने स्टेट में आके कुछ गुड्स या सर्विसेज बेच रहा है और उससे अगर कोई रेवेन्यू अर्न कर रहा है तो राजा उससे भी लगान लेता था बेटा हाँ कस्टम्स इन द करंट सी नथिंग एल्स हाँ मैकेनिज्म क्या होगा कॉन्सेप्ट क्या होगा कितना कस्टम होगा वो हम पढ़ेंगे सर बाद में पर सर थीम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सर आपको, आपको। आवाज आ रही हो तो सर गवर्नमेंट कौन बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया गवर्नमेंट कौन ठीक है सर अब आप कहेंगे सर पता नहीं सुबह सुबह सात बजे बुला के सर ये भाषण दे रहे गवर्नमेंट कौन ऐसा हाँ, वैसा है ना बेटा नहीं चलिए सर बात करते एक शानदार वाली मस्त वाली की आखिर मैंने जो पढ़ाया वो क्यों पढ़ाया आपका माइंडसेट क्या चेंज हुआ है सर दो मिनट समझना बात को ध्यान से अगर बताया अगर अस अगर एस टैक्स पे करने में लेट हो गया अगर मैं जीएसटी की बात कर रहा हूं सर दस एस सी डिलेज इन मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स टू गवर्नमेंट, तो सर असएससी विल हैव टू केदर इंटरेस्ट अच्छा आप मुझे बताओ इंटरेस्ट क्या होता बेटा टाइम वैल्यू ऑफ मनी ब्याज हाँ जी जी बिल्कुल सही टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपने बैंक से लोन लिया सर आपको क्या देना पड़ेगा इंटरेस्ट आपने किसी को लोन दिया आपको वो क्या देगा इंटरेस्ट हाँ ना आपने गवर्नमेंट का पैसा यूज किया आपको देना पड़ेगा क्या इंटरेस्ट क्योंकि जो ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स है उसके बाद अगर पे करते हो इट मीन यू आर यूजिंग द मनी ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज द सर टैक्स अमाउंट जो गवर्नमेंट को आपको पे करना था आपने पे नहीं किया यस या नो सर क्या लगेगा इंटरेस्ट एंड इन केस ऑफ जीएसटी अगर आप जीएसटी पे करने में लेट होते हो तो यू नो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दी एस सर एटीन परसेंट पर एन एम सिंपल इंटरेस्ट एज पर नंबर ऑफ डेज क्लियर दो दिन लेट तो दो दिन का इंटरेस्ट क्लियर मालिक पता है यही अगर मान लो कभी रिफंड का केस बनता है अगर किसी सिनेरियो में आपने टैक्स एक्स्ट्रा पे कर दिया कोई केस फाइल हो गया और आपको रिफंड बनता है सर तो पता है गवर्नमेंट को बोला कि जिस दिन आसेशन मैं जनरल बता रहा हूं पॉइंट आपको जनरल भी है ना एक आइडिया देने के लिए अभी कोई एक्ट नहीं पढ़ा रहा कोई सेक्शन नहीं पढ़ा रहा मैं आपको एक आइडिया बेसिक आइडिया कॉन्सेप्ट सर गवर्नमेंट को बोल दिया क्या कि अगर डिपार्टमेंट को आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया जीएसटी के अंदर और अगर गवर्नमेंट 60 डेज में रिफंड दे दे तो ठीक है सर 60 डेज तक कोई इंटरेस्ट नहीं और 60 डेज के बाद अगर उन्होंने पे किया है आपको क्लियर तो गवर्नमेंट विल हैव टू पे द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ सिक्स परसेंट पर एन और हमारी बात आई तो अठारह वो भी नेक्स्ट डे से ही खुद की बात आई तो सिक्सटी डेज बाद टू एट द रेट ऑफ सिक्स परसेंट पर, पर नम साले चोर अरे हा है ना यस या नो तो क्या करना चाहिए या तो सर हमारे लिए भी सिक्स कर दो या फिर इंग्लिश लिए कर दो अरे हा है ना भाई चलो अगर हमारे लिए सिक्स परसेंट कर दे तो सोच के देखना क्या होगा अगर हमारे लिए सिक्स परसेंट पर नम रेट कर दे तो जान टैक्स पे करेगा मान लो टेन लाख रुपए पर मंथ की अगर उसकी टैक्स की लाइबिटी आती है सर जीएसटी की उसको पच्चीस लाख रुपए या तीस लाख रुपए सर उसको लोन चाहिए वर्किंग कैपिटल लोन तो तीन महीने तक टैक्स पे नहीं करेगा सर वो थर्टी लाख रुपए अरेंज हो गए सर उसके पास वर्किंग कैपिटल लोन वो भी कितना रेट से सर सिक्स परसेंट पर नम सिंपल इंटरेस्ट नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड नो प्रोसेसिंग फीस अच्छा किसी से पूछना भी नहीं है कहीं अप्लाई भी नहीं करना है छह परसेंट इंटरेस्ट में उसको लोन मिल रहा है सर और पता है खास बात जब इच्छा हो तो पे भी कर दे उस दिन से इंटरेस्ट बंद और अगर मान लो कभी थर्टी की जगह फोर्टी चाहिए ना तो एक महीने और लेट पे कर दे आप मुझे बताओ अगर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए लोन लेने जाएगा क्या उसको सिक्स परसेंट पर नम से मिल जाएगा सर सर आप अगर बिजनेस लोन ले जाओगे तो सर पंद्रह अठारह परसेंट नॉर्मल ऑन एन एवरेज ना लगता है सर हाँ है ना भाई क्लियर तो अगर हमारे लिए सिक्स परसेंट कर दिया तो तो सर हमारे तो, गवर्नमेंट कौन सर आप बताओ तो हम में से कुछ लोग होशियार जो होंगे वो तो इसका मिसयूज कर लेंगे सर तो हम लोग नहीं 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 हमारे लिए तो अठारह रखो सही है कि गलत है सर आप मुझे बताओ आवाज नहीं आ रही सर सही है कि गलत है सर एटीन सही है सर ठीक है सर हमारे लिए एटीन सही सिक्स नहीं पर ठीक है सर पर इनके भी तो एटीन करना पड़ेगा इनके एटीन कर दो सर सोचो अगर गवर्नमेंट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट एटीन परसेंट कर दे तो क्या हो रिफंड अगर गवर्नमेंट ने लेट दिया है एटीन परसेंट पर नाम अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दे तो सर लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट का नया वेंचर खुल जाएगा भाई एफ के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट छह मिलता है सात मिलता है मैक्सिमम हाँ है ना भाई सर लोग तो अभी पता है क्या होता है हम जब जीएसटी डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट को रिफंड के लिए अप्लाई करते हो तो हाथ जोड़ते सर प्लीज हमारा रिफंड सर जल्दी कर दीजिएगा थोड़ा बहुत उनको फीस भी देते हैं समझ रहे हो मेरी बात मेरी आप हाँ है ना सर सर इधर अठारह कर देते तो नहीं अभी रिफंड नहीं चाहिए थोड़ी दिन रखो अपने पास ऑफिसर <laughs> था सर आपका रिफंड रेडी अभी नहीं चाहिए भाई जब चाहिए तब बोल लेंगे आप मुझे बताओ कि क्या एटीन पॉसिबल है सर आवाज़ नहीं आ रही सर आप मुझे बताओ यहाँ क्या होना चाहिए सर अगर एफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट सिक्स टू सेवन परसेंट कितना होना चाहिए सर सिक्स सही हो रहा कि गलत हो रहा है सर सही हो रहा कि गलत हो रहा है सर हमारे लिए एटीन परसेंट सही गलत है सर इनके लिए सिक्स परसेंट सही है कि गलत है सर यही दो मिनट पहले आप क्या बोल रहे थे सर साले गवर्नमेंट चोर और दो तीन लोगों ने तो पता नहीं दो तीन अलग अलग वर्ड्स भी बोलते सर गवर्नमेंट बोल देते जो यहां बोल भी नहीं सकता सर <laughs> है ना सर आप मुझे बताओ दो मिनट पहले हम सर ये सोच रहे थे बहुत गलत हो रहा है सर ना इंसाफी हो रही है हमारे साथ अत्याचार हो रहा है हमारे साथ और यही दो मिनट बाद आप क्या कह रहे हो सर दिस इज द डिफरेंस इन अकाउंटेंट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट सर बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको आपको क्या करना है सर समझ रहे मेरी बात अगर आपने सेक्शंस को याद कर लिए प्रोविजंस को याद कर लिए बुक्स में जो लिखा है वो रट लिया तो जिंदगी एक बार गाली दे दे पढ़ोगे सर और उसको रटने की कोशिश करोगे याद करने की कोशिश करोगे मैं कह रहा हूं गारंटी है अब आप चाहो ना भूलना तो भूल के दिखा देना सर कि हमारे लिए अठारह उनके लिए छह भूल के दिखा देना सर साली दिल में बस गई है अब नहीं भूल पाओगे आप हाँ है ना सर अरे ये नो और आपको बताया जो दिल में बस था उसको भुलाना नामुमकिन है ना बेटा तो रो मत होए इमोशनल हो गए सर लोग तो <laughs> सर कोई बात नहीं सर अभी उसको साइड में सर अभी दिल में कुछ और बसाना पड़ेगा आपने वो जीएसटी सर क्लियर डोंट वरी जो आपके दिल में घेप बचा हुआ है सर उस घेप को हम फिल कर देंगे थ्रू जीएसटी सर अरे हाँ है ना भाई समझ में आया कि नहीं आया सर गवर्नमेंट कौन आप समझना ध्यान से सर मैंने आपसे कहा है कि हो सकता है दो तीन ऑफिसर्स हो सकता है कुछ नेता लोग चोर हो पर गवर्नमेंट चोर नहीं है एवरी प्रोविजन हर लाइन हर वर्ड हर सेंटेंस अगर लिखा है लॉ के अंदर तो वो लॉजिकल है है या नहीं सर ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है सर सो सर आपका माइंड ओपन हो कि गवर्नमेंट कौन मतलब मैंने कह दिया आप मानो मत ये रियलिटी है सर ये एविडेंट है ऐसे कि लोग किसने बनाया हमने बनाया सर क्लियर इनकम टैक्स एक्ट हाँ सर हमने बनाया है <laughs> ना सर ना हो पाएगा सर एक्चुअली सर हर एक चीज लॉजिकल है सर बस उस को वाला चाहिए सो एंटायर जीएसटी इंड टैक्स कस्टम्स हम सर पढ़ने वाले विद तो लॉजिक्स आपको समझ में आया कि नहीं आया कि सर किस तरह से बनते हैं लो हाँ है ना भाई <laughs> तो शुरू करेगा क्या इंड टैक्स yes, पक्का ओके okay. तो सर गवर्नमेंट कौन ओके <laughs> okay. यहां तक पिक्चर समझ में आई आपको मेरी है Okay, सर. सर, हंड्रेड सर? Okay, सर, मार्क का ये पेपर होता है सर उसमें से आउट ऑफ हंड्रेड मार्क्स जीएसटी इज सेवेंटी फाइव मार्क्स एंड कस्टम्स प्लस फॉर ट्रेड पॉलिसी इज ट्वेंटी फाइव मार्क्स क्लियर समझा आप मेरी बात ओके सर ध्यान देना बच्चों शुरू किससे कस्टम कस्टम्स या जीएसटी से सर आवाज अच्छे से नहीं आ रही सर yes. जिस धमाकेदार तरीके से ये एक्ट आया उस तरीके से आवाज नहीं आ रही सर शुरू कहां से करें सर जीएसटी या कस्टम्स पक्का चले सर पूरे देश की एक डिमांड क्या जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स गुड एंड सिंपल टैक्स इसको कहा गया था शुरुआत में अभी समझ में आएगा कि गुड या सिंपल है कि नहीं सर बात करते धीरे धीरे सर ओके सर ऐसा कहा जाता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म जो ये हुआ है सर इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म को है तो वो है इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन कंट्री इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म कोई है तो वो क्या है आखिर क्या तकलीफ क्या थी सर आखिर पुराने लॉज के अंदर तकलीफ क्या थी सर क्यों जीएसटी आया क्लियर पहले वो बात करते थे हम सर मैंने क्या बोला आपको कुछ भी नहीं आता है बात खत्म शुरू से शुरू कर रहे हैं हम सर हर एक चीज और हां एक बात ध्यान रखना सर मैं यहां पे जो भी बात कर रहा हूं एक भी बात ऐसी नहीं होगी जो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है इसलिए अभी मैं सोचना सर पुराने एक्टर बता रहा हूं मैं आपको कुछ तो वो काम के नहीं वो सब कहा, कहा, कहा कैसे काम आएंगे आपको भी नहीं पता सर वो मैं कर लूंगा मेरा काम है सर क्लियर आप मस्त होके सुनो इनवोल होकर बात करो एंड सर हर एक चीज हर एक पॉइंट लॉजिकल होती है ये थॉट्स के साथ हम बात करेंगे सर हाँ ना सर अरे शुरू करें हम बात को ओके सर ध्यान देन देना सरकार वीडियो क्लास में जो भी है सर आपको भी प्रॉपर इंटरेक्ट करना है मेरे से हर एक बात का आंसर देना है मेरे को आपको अगर आपको मैंने बोला है तो ओके सर मेरा पॉइंट आपसे ये है कि क्या तकलीफ थी पुराने लोग के अंदर बिफोर जीएसटी क्या था सर पता है बिफोर जीएसटी ऑन गुड्स अगर आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो अगर आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो लगता था एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी विच वॉज द रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने में लगता था क्या सर्विस टैक्स इट इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स सेल करने पर भले मैन्युफैक्चरर सेल कर रहा या कोई डीलर सेल कर रहा सेल करने पर क्या लगता था सेल्स टैक्स जिसको कहते क्या वेट चलिए सर उसमें क्या तकलीफ थी क्या प्रॉब्लम थी आखिर क्या दुख थे क्या दर्द थे जिसकी वजह से जीएसटी को लाना पड़ा बात कर ले सर उसके बारे में भी हम चलिए सर बात करते रिगार्डिंग सर पुराने में क्या तकलीफ था देखना ध्यान से सर अभी तकलीफ था नहीं था, बात मत करेंगे पुराने लोग क्या थे वो देख लेते सर क्या सिस्टम था वो देखते हम सर मान लो देखो <laughs> <laughs> सर मतलब ऐसा कंफ्यूज करूंगा सर टॉपिक के बीच में डाल के सर अगर ढंग से आवाज नहीं तो क्लियर मान लो सेल्फिश लोग सब सर आप एक मैन्युफैक्चरर हो सर कौन हो सर अब? <laughs> आपने इनपुट परचेज किया हंड्रेड में आपने इनपुट परचेज किया हंड्रेड में सर इनपुट जो परचेज किया आपने मैन्युफैक्चरर से परचेज किया सर फैक्ट्री सर आपकी आपने इनपुट परचेज किया सर जब मैन्युफैक्चरर से परचेज किया बिफोर जीएसटी प्री जीएसटी मैन्युफैक्चरिंग क्या लगता था सर एक्साइज ड्यूटी सर उसने अपने बिल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी चार्ज किया सपोज वो था टेन परसेंट होता है कितना टेन टोटल हंड्रेड एंड टेन अच्छा मैन्युफेक्चर ने मैन्युफैक्चर किया इसलिए एक्साइज भी लगता था अब मैनुफैक्चर ने बेचा है तो वेट भी लगेगा सर हूँ हूँ करना पड़ेगा सर क्या लगेगा सर वेट पर वेट की बात मैं अभी नहीं कर रहा आपसे थोड़ी देर बाद बात करेंगे सर ओके okay? सर अभी केवल एक्सरसाइज लग रहा है मान लो वेट एक्जेमट है सर मान लो क्लियर सर मैनुफैक्चर है मैन्युफैक्चर कर रहा है इसलिए एक्साइज लगा वो मैन्युफैक्चर करने के बाद बेच रहा है इसलिए सेल्स टैक्स लगेगा वेट बेटा हाँ है ना अभी मान लो वेट एक्जेम्ट है सर वेट नहीं लग रहा अभी केवल एक्साइज लग रहा है हाँ है ना भाई ओके okay, सर आप मैन्युफैक्चरर आपने मुझे गुड्स बेचा क्लियर सर ये मेरे लिए इनपुट है अब इस इनपुट को यूज करके मैं क्या कर रहा हूं सर आउटपुट गुड्स बना रहा हूं सर क्या बना रहा हूं मालिक आउटपुट गुड्स अच्छा अभी पुराने लोग में तकलीफ नहीं है सर कोई तकलीफ नहीं है हम आराम से पुराने लोग समझ रहे हैं सर दस पंद्रह मिनट लगेंगे आधा घंटा लगेगा ज्यादा नहीं लगेगा सर ध्यान देन देना सर अब सिंस मैं आपसे जो इनपुट परचेज कर रहा हूं उस इनपुट को यूज करके मान लो मैं ये आउटपुट गुड्स बना रहा हूं दिस आउटपुट गुड्स मान लो मार्कर आई एम ए मैन्युफैक्चर ऑफ मार्कर ब्रैंड नेम मंगल्स सर अरे है नरे सर कोई डाउट आपको <laughs> नहीं तो डाउट मैं क्रिएट कर दूंगा ध्यान देना सर सर ये मार्कर मैं बना रहा हूँ सर ये मार्कर बनाने के लिए कैमरा का थोड़ा सा ध्यान रखिए सर <laughs> कोई बात नहीं पेड़ लिखे था हम्म ये मार्कर बनाने के लिए सर मैंने आपसे क्या परचेज किया प्लास्टिक रॉ मटेरियल है मेरा मान लो प्लास्टिक ये प्लास्टिक मैंने परचेज किया रुपीज हंड्रेड प्लस पी, जी आ, क्लियर टोटल हंड्रेड टेन अब जब मार्कर बना के मैं आपको सेल करूंगा अगेन सर इस पर क्या लगता है एक्साइज ड्यूटी लगता है सर क्या लगता है सर एक्साइज ड्यूटी सर सिंस मेरे सेल पे एक्साइज लग रहा है पे मैंने एक्साइज पे किया सर वापस सेल प्राइस पे पूरे पे टैक्स लगेगा इसलिए मैंने जो दस रुपए पे किया उसका मेरे को क्या मिल जाता था सैनवेड क्रेडिट क्या बोलता है सर जिसको भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हो ना सर आई टी वही वही सर तो मैंने सैनवेड क्रेडिट अवेल कर लिया क्रेडिट टेकन सैनवेड का क्रेडिट ले लिया तो सर मेरी कॉस्ट कितनी बच गई आउट ऑफ हंड्रेड एंड टेन टेन का मेरे को क्रेडिट मिल गया था मेरी कॉस्ट कितनी बच गई सर हंड्रेड क्लियर अब सर मैंने मैन्युफैक्चर किया होगा मेरा दूसरा एक्सपेंस लगा होगा सर इस पर हा है ना मेरा अपना मार्जिन भी तो होगा सर समाज सेवा तो करनी नहीं रहे सर दस के अंदर क्लियर उसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन मेरे सारे एक्सपेंसेस प्लस मेरे सारे प्रॉफिट मार्जिन वगैरह सब कुछ सर कितना मान लो फोर्टी कितना हो गया मालिक वन फोर्टी ये वन फोर्टी में क्या बन गया सर मेरा आउटपुट गुड्स और वन फोर्टी इज द वैल्यू ऑफ माई आउटपुट गुड्स दिस इज द वैल्यू सेल प्राइस ऑफ माई आउटपुट गुड्स इंक्लूडिंग प्रॉफिट मार्जिन बेटा ये मेरी सेल प्राइस है सर क्लियर अब क्या लगेगा मालिक इस पर एक्साइज ड्यूटी करना पड़ेगा सर और क्या सर क्या लगेगा सर एक्साइज ड्यूटी सर सपोज टेन परसेंट इज अगेन द एक्साइज रेट सर हो गया कितना फोर्टीन टोटल होता है कितना वन फिफ्टी फोर इनडायरेक्ट टैक्स है सर कस्टमर को मैंने बिल बनाया वन फिफ्टी फोर का उसे वन फिफ्टी फोर मैंने ले लिया इसमें से फोर्टीन क्या है अरे फोर्टीन क्या है मालिक एक्साइज इनडायरेक्ट टैक्स है किसको पे करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को सर हाँ है ना अब जब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करूंगा फोर्टीन तब सर मैं दस रुपए ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूं गवर्नमेंट को जिसका मैंने सैनवर्ड क्रेडिट अवेल किया था याद है सेंडवर्ड क्रेडिट अवेल किया था लिया हुआ है अभी मेरे पास अब मैं उसको यूज कर लूंगा सर मैंने दस का सैनवर्ड क्रेडिट क्या कर लिया यूज कर लिया बैलेंस फोर क्या कर दिया सर पे कर दिया भाई हाँ है ना सर अच्छा। क्लियर सर मैंने दस का क्रेडिट यूज किया बैलेंस फोर पे किया क्लियर अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कितना मिल गया सर फोर्टीन कैसे मिला सर टेन तो यहाँ मिला होगा सर उसको यहां पर हाँ है ना एंसर फोर अभी मिल गया सर इनको क्लियर अल्टीमेटली फोर्टीन गवर्नमेंट को मिल गया फोर्टीन कस्टमर की पॉकेट से गया क्लियर और गवर्नमेंट को पूरा फोर्टीन रुपी टैक्स मिल गया हाँ या ना अरे क्लियर पका डन चलो सर मेरा क्वेश्चन सिंपल साफ़ से ये है सर मेरा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये है कि आखिर ये दस का क्रेडिट क्यों मिला दस का क्रेडिट क्यों मिला सर क्योंकि परचेस में टैक्स पे क्या है सर हा है ना भाई ओके चलो केस नंबर टू ले लेते अगेन आई एम अ मैन्युफैक्चरर मैनुफेक्चर ऑफ दिस पेन अरे मैं क्या बना रहा हूं साहब पेन सर और पेन इज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी मान लो सर पेन बनाने पर एक्साइज नहीं लगेगा ओके इसलिए अगेन मैंने इनपुट परचेज किया कितने का हंड्रेड का उसपे एक्साइज ड्यूटी पे किया सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कितना बैठा टेन टोटल कितना हो गया मालिक हंड्रेड एंड टेन ये मेरा परचेज इन सर ये क्या है सर परचेज इन्वर्स कितने का 110 का सर ये मैंने प्लास्टिक परचेज किया इनपुट परचेस किया इससे मैं क्या बनाने वाला हूं ऐसा गुड्स बनाने वाला हूँ विच इज एक्ट फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी अब सर सिंस मेरा आउटपुट गुड्स एक्मट है क्या मेरे सेल पर टैक्स लगेगा वापस है नहीं तो परचेज पे किया उसका सैनवर्ड देने से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया मना कर दिया कि कोई सैनवर्ड ग्रेड नहीं मिलेगा मेरी कॉस्ट कितनी हंड्रेड एंड हो जाएगी सर मैंने वैल्यू एडिशन किया कितना मालिक फोर्टी टोटल वन फिफ्टी क्या बन गया आउटपुट गुड्स इस पर सेंट्रल एक्सेस एग्जैम टोटल वन फिफ्टी का मेरा सेल बिल बन गया सर इनवर्स बन गया वन फाइव जीरो का यू टेल मी यू टेल मी सर गवर्नमेंट ने अगर क्रेडिट नहीं दी तो क्या कुछ गलत किया है क्या क्या बड़ी नाइंसाफी करी क्या आपके साथ सर यू टेल मी अगर दस का क्रेडिट नहीं दिया है पर तो क्या कुछ गलत हो रहा है क्या सर कोई मल्टीपल टैक्स हो रहा है क्या कोई कैश के नहीं इफेक्ट हो रहा है क्या सर कोई डबल टैक्स हो रहा है क्या सर नहीं तो सर आपने तो बोला था कि परचेस पे पर टैक्स पे करते हैं इसलिए क्रेडिट मिलता है परचेस पे पर टैक्स तो यहां भी पे किया था तो क्रेडिट क्यों नहीं दिया सर बोलो आप क्योंकि आपकी सेल पे टैक्स नहीं लग रहा हा है ना सर आपने भी तो शर्ट परचेज किया है आपके पास भी पेन होगा पेन आपने परचेस किया है ना कई सारे गुड्स आपने परचेस करी मोबाइल फोन परचेस होंगे आपने सर उस पर जीएसटी पे किया होगा सर उसका क्रेडिट कभी कर आपने लिया है क्या आपने कभी क्रेडिट लिया है क्या नहीं अभी तो आप बोल रहे थे ना सर परचेस पे टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट मिलता है परचेस पे टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट नहीं मिलता हा है ना क्रेडिट क्यों मिलता है क्योंकि मेरे सेल पे टैक्स लग रहा है हा है ना या मैं अपनी लैंग्वेज में अगर मेरा डायलॉग बोल दू तो मेरे पूरे 140 पर टैक्स लग रहा है विच इंक्लूड्स हंड्रेड जिसमें मैं ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूं जिसमें मैं ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूं और वापस से पूरे 140

सर लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको गारंटी सर सर मैं कह रहा हूं अगर दस का ग्रेड नहीं मिलता तो क्या होता सर दस का ग्रेडिट नहीं मिलता तो क्या होता वो देख लेते सर देखो सर कभी भी लाइफ में आप कोई भी टॉपिक पढ़ो या कोई भी चीज समझ नहीं हो आपको और ये समझना हो कि ये क्यों होता है तो ये सोचना कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता समझे तो क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है आधी से ज्यादा चीजें तो वही कर, आपको समझ में आ जाएगी सर देखते ध्यान से मान लो मान लो अगेन आई एम अ मैन्युफेक्चर ऑफ दिस मार्कर विच इज टैक्सेबल हा है ना भाई क्लियर मैंने क्या किया इनपुट परचेस किया कितने में हंड्रेड टेन 10 रुपी एक्साइज ड्यूटी टोटल कितना हो गया हंड्रेड टेन ओके सर मान लो क्रेडिट का कोई सिस्टम होता ही नहीं नहीं मिलता सर क्रेडिट तो ऐसे केस में अब अगर क्रेडिट नहीं मिल रहा है भाई अगर क्रेडिट नहीं मिल रहा तो मेरी कॉस्ट कितनी हो जाती सर 110 मैंने अपना मार्जिन मेरे अपने एक्सपेंसेस सारे ऐड के कितने 40 टोटल कितना हो गया भाई 150 ये मेरा आउटपुट गुड्स बन गया अगेन इस पे क्या लगेगा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सपोज रेट ऑफ टैक्स इज 10 परसेंट होता कितना है 15 कितना हो गया मालिक 165 इनडायरेक्ट टैक्स है सर कस्टमर से मैंने 165 का इनवॉइस लिखा उससे मैंने फिफ्टीन रुपी टैक्स लिया और गवर्नमेंट को पे कर दिया भारत माता की जय कोई क्रेडिट था नहीं कोई क्रेडिट यूज किया नहीं सर आप मुझे बताओ अल्टीमेटली कस्टमर को गुड्स कितने मिला सर अल्टीमेटली गुड्स का कॉस्ट उसको कितना आया सर वन सर आप देखना ध्यान से आप अगर ध्यान से देखोगे अगर समझोगे चीज को तो आपको समझ में आएगा कि सर इस 165 में अल्टीमेटली देखा जाए तो केवल 140 ही वैल्यू ऑफ गुड्स है सर और टोटल 25 फाइव टैक्स लगा हुआ साहब भाई अल्टीमेटली अगर कस्टमर ने मेरे से ये मार्केट परचेज किया है तो उसको 25 फाइव टैक्स पे करना पड़ गया गवर्नमेंट को कैसे टेन रुपी तो यहां पे किया था सर अरे वो भी तो अल्टीमेटली सेल प्राइस का पार्ट बना ना यार अल्टीमेटली गया तो कस्टमर की पॉकेट से सर और फिफ्टीन उसने यहां पे कर दिया भाई हाँ है ना टोटल हो हो गया वन, गया 25, गया टोटल इतना टैक्स लग है सर आप ध्यान से देखो वैल्यू ऑफ गुड्स की अगर हम बात करें तो वैल्यू ऑफ गुड्स हंड्रेड रुपये फोर्टी था बेटा ये आपका प्रॉफिट मार्जिन वगैरह सब मिला के कॉस्ट मिला के अदर देन टैक्स वैल्यू ऑफ गुड्स तो वन फोर्टी था बेटा क्रेडिट नहीं मिला तो अल्टीमेटली टैक्स कितना लग गया है सर आवाज आ रही यारी सर टैक्स कितना लग गया ट्वेंटी फाइव रेट ऑफ टैक्स ऑन रेट ऑफ टैक्स ऑन मार्कर कितना था सर आवाज ढंग से नहीं आ रही सर रेट ऑफ टैक्स ऑन मार्कर कितना था सर परसेंट वैल्यू ऑफ मार्कर विदाउट टैक्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स विदाउट टैक्स और गवर्नमेंट ने रेट ऑफ टैक्स कितना फिक्स किया बेटा टेन परसेंट टेन परसेंट ऑफ वन फोर्टी कितना होता मालिक फोर्टीन हो कितना रहा है साले चोर से हो रहा है क्या सर गलत हो रहा है सर अभी गलत क्या हो रहा है वहां इसका पोस्टमार्टम करते हैं सर हम ये ट्वेंटी फाइव रुपी सर टोटल टैक्स ट्वेंटी फाइव कैसा है मालिक टेन प्लस फिफ्टीन टेन कैसा है सर टेन परसेंट ऑफ हंड्रेड हंड्रेड क्या था सर प्लास्टिक मान लो इनपुट वॉज प्लास्टिक फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मार्कर और पेन हाँ ना भाई क्लियर इनपुट तो हमारा सर ये Okay. 15 के 150. 150 sir, ये लो ओके फिफ्टीन कैसे आया सर टेन परसेंट ऑफ वन फिफ्टी वन फिफ्टी इज माई आउटपुट गुड्स वन फिफ्टी का फर्दर ऑपरेशन सर ये वन फिफ्टी कैसा बेटा हंड्रेड प्लस न फिफ्टी कैसे आया सर हंड्रेड प्लस टेन प्लस फोर्टी ऐसे आया ना मालिक अब आप मुझे बताओ सर 150 पे अगर 10 परसेंट फिफ्टीन रुपी टैक्स लगा है 150 का अगर 10 परसेंट टैक्स लगा है इट मींस 100 का भी 10 परसेंट किया सर इट मींस 10 का भी 10 परसेंट क्या सर इट मींस 40 का भी 10 परसेंट लगाया सर, सर? हा ना भाई अच्छा 100 अब इसका ऑपरेशन करते सर हम ये 100 क्या था बेटा इनपुट प्लास्टिक ये कहता सर इनपुट प्लास्टिक सर इस हंड्रेड पे तो हम ऑलरेडी टैक्स पे और वापस तो उस 100 पे टैक्स नहीं चलेगा नहीं चलेगा अन्ना हम तुम्हारे साथ है तुम भूखे रहो हम मस्त रहे हम तुम्हारे साथ है हा है ना सर मरीन ड्राइव हमने कैंडल मार्च कर दिया यस सेनो सर क्लियर और सर ऐसे केस में सर ये गलत हो रहा है हमने बात कर ली एंड सर दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सर सेम अमाउंट पर सेम टैक्स लग रहा है बेटा दिस इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेशन क्या कहते हैं सर इसको हम भाई एक तरह से सौ रुपए में दो स्टेप बताई मान लो रो मॉडल का भी रो मॉडल होता तो थ्री थ्री टाइम्स टैक्स फिर फोर टाइम अरे हा है ना सर तो इंस्टेड ऑफ सेइंग डबल टैक्सेशन इट्स ऑलवेज बेटर टू से मल्टीपल टैक्सेशन सर दिस इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेशन Same takes on same amount multiple times. What do you say? Same takes on same amount multiple times is called is called multiple taxation. Yes sir. क्लियर सर इसको कहते हैं मल्टीपल टेक्सीन सर नहीं चलेगा नहीं चलेगा हाँ है ना भाई ओके okay, सर तो सर गवर्नमेंट ने बोला ठीक okay, है ठीक है ठीक है यार सर आपको वैल्यू ऑफ गुड्स एक्साइज लेना है सर वैल्यू ऑफ गुड्स लेना, है, पे लेना ना, sir, आपको क्या एक्साइज एक्साइज सही हो रहा है सर ये नहीं चलेगा नहीं चलेगा दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट क्या कहते हैं सर इसको हम दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन सेम टैक्स ऑन सेम टैक्स सेम टैक्स ऑन सेम टैक्स इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन नहीं चलेगा नहीं चलेगा हाँ ना सर नेक्स्ट क्या है सर नेक्स्ट क्या है सर वैल्यू एडिशन ये वैल्यू का पार्ट है क्या सर आवाज यानी सर इस पे पहले कभी टैक्स लगाया गया सर पहली बार टैक्स लग रहा है सर चलेगा हाँ हाँ ये चलेगा सर क्लियर मतलब देखा जाए तो सर यहां पे हंड्रेड पर टैक्स लगाया सर हूं करो सर हंड्रेड पर टैक्स लगाया सर और फिर नेक्स्ट स्टेप पे देखे तो सर किस पे टैक्स लगना है केवल फोर्टी पर किस पे टैक्स लगना है सर वैल्यू एडिशन पे सर फोर्टी क्या है तो नेक्स्ट स्टेप पे टैक्स लगाओ एवरी स्टेप पे टैक्स लगाओ एवरी सेल पे टैक्स लगाओ बट ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ वैल्यू एडिशन लगाओ इसलिए उसको बोलते हैं क्या वैल्यू एडेड टैक्स सर सिंस ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है इसलिए इसको बोलते हैं क्या सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स इसलिए इसका नाम क्या है सैनवेट अभी सेनवेट आया सेनवेट क्रेडिट अब आएगा रुकिए ये सर

वैल्यू ऑफ गुड्स अगर फोर्टीन थाउजेंड है उस पर एक्साइज ड्यूटी सपोज टेन परसेंट है या ऐसे करते थे तो रुको रुको हाँ वैल्यू ऑफ गुड्स अगर फिफ्टीन थाउजेंड है उस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कितना है टेन परसेंट कितना होता मालिक अरे कितना होता भाई मैंने पूरी सेल प्राइस पर नहीं लगाया मैंने केवल वैल्यू एडिशन पर लगाया टैक्स क्या आपने कभी ऐसा इनवॉइस देखा है क्या आपने कभी ऐसा इनवॉइस देखा है जहां पर वैल्यू ऑफ गुड्स फिफ्टीन थाउजेंड उस पर टेन परसेंट टैक्स होता है कितना फोर हंड्रेड क्या आपने कभी ऐसा बिल देखा है हाँ ना भाई कभी नहीं क्लियर तो अभी तो कह रहे थे सर बिल्कुल सही अन्ना तुमने आंदोलन किया हम खुश हो गए सर केवल वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगाओ सर अगर केवल वैल्यू एडिशन टैक्स लगाएंगे तो सर आपने कभी आज तक ऐसा बिल देखा गया बेटा आवाज़ नहीं आ रही हुई और अगर आप स्मार्ट होंगे तो सर कैलकुलेट कर लेंगे दो मिनट में तेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना है कैसे फोर हंड्रेड अगर तुमने टैक्स लगाया है 10 परसेंट का रेट ऑफ टैक्स है रिवर्स कैलकुलेशन क्या के कितना हो गया फोर थाउजेंड तुमने मार्जिनट क्या होशियारी हाँ है ना सर ऐसा बिल कभी देखा आपने नहीं इसलिए फंड आया क्या नहीं टैक्स तो पूरी सेल टैक्स तो पूरी पर सर परचेज पे टैक्स पे क्या हुआ सर आपने अगर पूरी सेल प्राइस पे टैक्स लगा देंगे तो वापस लौट के बुद्धू यही पे आ जाएंगे सर फिर गवर्नमेंट बोला नहीं 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 पूरी बात तो सुन ना तेरी सेल प्राइस पे टैक्स लगा पर चिंता मत कर जो परचेस पे टैक्स पे किया उसका क्रेडिट लेना उतना टैक्स तो कम पे कर देना है हाँ ना तो वहां से फंड आया क्रेडिट का जो ये रहा आपके सामने दिस वन है हाँ ना अब देखो ध्यान से कैसे फंडा बना सैनवेट क्रेडिट का आपने हंड्रेड रुपी में परचेज किया टेन रुपी टैक्स पे किया टोटल हंड्रेड एंड टेन सिंस आपके टैक्स लगने वाला है फोर्टीन रुपी हूं करो रही सर आप परचेज पे टैक्स पे किया सेल पे वापस टैक्स लग रहा सर मल्टीपल टैक्स हो जाएगा कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा अगर क्रेडिट नहीं दिया तो इसलिए क्रेडिट दिया परचेस पे टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट नहीं दिया सेल पे टैक्स लग रहा है मल्टीपल टैक्स होगा कैस्केडिंग इफेक्ट होगा और सेल पे जो टैक्स लग रहा है वो पूरी सेल प्राइस पे लग रहा है सर केवल वैल्यूडेशन पे नहीं लग रहा है सर हाँ है ना मालिक सर इसलिए सर हमको दस का क्रेडिट दे दिया हमने दस का क्रेडिट ले लिया क्रेडिट अवेल्ड क्रेडिट टेकन कितने का तो अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट कितनी होगी सर हंड्रेड फोर्टी आपका वैल्यूडेशन था ही सर वन हाँ फोर्टी भाई 140 पे लग जाएगा 10% परसेंट ड्यूटी कितना हो गया 14 सर 154 फिफ्टी फोर आप कस्टमर्स लोगे अब आप देखो 14 जब आप टैक्स पे करोगे गवर्नमेंट को तब दस आपने एक तरह से एडवांस टैक्स पे कर दिया था हाँ है ना भाई दस रुपए एक तरह से आपने एडवांस टैक्स पे किया था सर जिसका आपने क्रेडिट लिया था वो क्रेडिट आपने यूज कर लिया वो दस रुपए टैक्स कम पे कर दिया अल्टीमेटली रिमेनिंग फोर पे कर दिया भारत माता की जय हाँ ना सर अरे क्लियर अब आप मुझे बताओ कस्टमर की पॉकेट से टैक्स कितना गया सर इस केस में फोर्टीन वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है सर वन फोर्टी उसका टेन परसेंट रेट ऑफ टैक्स अगर है तो टैक्स कितना बनना चाहिए गवर्नमेंट को कितना मिला कस्टमर की जर से कितना गया परफेक्ट गया बेटा दैट्स व्हाट इज द सिस्टम ऑफ सैनविट क्रेडिट सर आई होप यू गॉट एंटायर पॉइंट यस या नो क्रेडिट समझ में आया कि नहीं आया सर आपको अरे क्लियर पक्का डन अच्छा जो सैनविट क्रेडिट का फंडा है वही एब्सोल्युटली सेम फंडा किसका है सर वेट क्रेडिट का सर जो हमने एक्सरसाइज का सिस्टम पढ़ा है वही किसका है वेट का है वेट इज द रेवेन्यू ऑफ वेट इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट चलिए सर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं हम वेट एंड एक्सरसाइज दोनों का साथ में सर दिल थाम के देखिएगा सर ध्यान से मस्त पॉइंट है सर अच्छा जो भी मैं यहां लिख रहा हूं जब लेक्चर एंड करेंगे सर हम एक टाइम लेंगे एक मिनट का दो मिनट का यू कैन हैव अ क्लिक ऑफ दिस क्लियर जो भी मैंने यहाँ लिख रहा हूँ जो मुझे लगेगा रिलेवेंट है सारी हम स्लाइड्स का फोटो खींच लेंगे सर वीडियो क्लास में वो भी आप स्क्रीन का मैं आप फोटो खींच लेना सर क्लियर सो देट आपका टाइम अभी लिखने में नहीं जाए सर आपका पूरा ध्यान मेरी तरफ हो हाँ आपकी अगर लिखने की आदत है सर तो आप लिखिए वो कोई दिक्कत नहीं सर क्लियर अदरवाइज कॉपी करने के लिए अलग से हम वी कैन हैव क्लिक ऑफ दिसड्स और लास्ट में घर जाने के बाद आप इन स्लाइड्स को अपने नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा सर ऐसा नहीं फोटो में रह जाए सर क्योंकि फोटो चाल से हा है ना भाई सर हा है ना फोटो तो केवल सीने पे चिपका रखने का है ना बेटा और कुछ नहीं होने का सर हाँ, हाँ, हाँ। सर समझे वेट और वेट देखना ध्यान से मान लो आई एम ए मैन्युफैक्चरर गलत पढ़ाने वाला हूं मैं आपको देखो सर मान ही नहीं रहे सर आप लोग मान लो आई एम ए मैन्युफैक्चरर आई एम ए ऑफ दीज मार्कर्स सर नेम हाँ सर अब अच्छा लग रहा है सर थोड़ा सा सर इसके मैन्युफैक्चर पे क्या लग रहा है एक्साइज भी लग रहा है और सेल करने पर वेट भी लगता है बेटा अब मैंने इनपुट परचेज किया कितने में मालिक हंड्रेड ऑन विच आई हैव पेड द एक्साइज ड्यूटी ऑफ टेन परसेंट अमाउंट कम्स टू टेन टोटल हंड्रेड क्लियर अब जब मैंने इनपुट परचेज किया होगा तो सामने वाले पर्सन ने सेल किया होगा सर मेरे को जब उसने सेल किया तो क्या होगा सर, टैक्स, वेट सपोज़ वेट 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 अच्छा, तो तो लग रहा है कोई दिक्कत नहीं सर क्योंकि पहले मैन्युफैक्चर होगा फिर सेल होगा ना सर इसलिए सेल करते वक्त दैट एक्साइज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स हाँ ना सर इसलिए उस पर पूरे पे लगता था क्या वेट, ओके टोटल हो गया कितना वन वन फोर पॉइंट फोर जीरो मेरा परचेज इन्वाइस है सर कितने का सर इस इनपुट को यूज करके मैं क्या करूंगा आउटपुट गुड्स बना के बेचूंगा क्लियर आउटपुट गुड्स बनाऊंगा तब एक्साइज भी लगेगा और वेट भी लगेगा सिंस मेरी सेल पर एक्साइज भी लग रहा है और वेट भी लग रहा है इसलिए मैंने परचेज पे जो एक्साइज पे किया उसका मेरे को क्या मिल जाएगा ट क्रेडिट मैंने सैनवेट क्रेडिट अवेल कर लिया कितने का टेन का मैंने वेट क्रेडिट अवेल कर लिया कितने का फोर पॉइंट फोर का तो अल्टीमेटली मेरी कॉस्ट कितनी होगी मालिक हंड्रेड अब मेरी कॉस्ट अगर हंड्रेड है मैंने अपना वैल्यू एडिशन किया कितना फोर्टी टोटल हो गया कितना वन फोर्टी ये मेरा आउटपुट गुड्स बन गया अब आउटपुट गुड्स बन गया तो इस पर क्या लगेगा बनाया मैंने एक्साइज ड्यूटी सपोज रेडीज टेन परसेंट होता है कितना 14 कितना हो गया 154 सर इसको सेल करूंगा क्या लगेगा वेट रेट ऑफ वेट इज 4% परसेंट होता है कितना 6.16 पॉइंट टोटल वन सिक्स यस सेनो सर ये मेरा सेल इनवॉइस सॉरी ये मेरा सेल इनवॉइस बन गया 160.16 इसमें फोर्टीन रुपी क्या है एक्साइज 6.16 क्या है वेट यहां तक समझा आपको यहां तक समझा बच्चे पक्का बेटा अच्छे से क्लियर अच्छा 160.16 इनडायरेक्ट टैक्स है मैंने कस्टमर से टैक्स ले लिया सर हूं <laughs> करो सर अब ये टैक्स मैं लूंगा कस्टमर से गवर्नमेंट को पे करूंगा बेटा सबसे पहली बात सर जब मैं टैक्स पे करूंगा फोर्टीन रुपी फोर्टीन किसको पे करूंगा स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को सर एक्साइज टू इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी सर हाँ ना भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करूंगा सर फोर्टीन जब पे करने गया मेरे पास दस का क्रेडिट अवेलेबल था याद को सर याद आया बच्चों दस का क्रेडिट मैंने क्या करा ए होशारी अवेल तो मैं ऑलरेडी कर चुका था ना सर अब क्या कर रहा हूं yes. अवेल कब करते अवेल करना मतलब इट इज अवेलेबल सर मैंने आपसे फीस ले ली अवेल कर ली अब जब पार्टी करेंगे तब यूज कर लेंगे सर हा है ना भाई सर yes, सर तो अभी मैंने क्या किया क्रेडिट अवेल तो परचेस भी कर लिया था सर अभी मैंने क्या किया है यूज किया है कुछ समझ में आ रहा है कि जा रहा आके जा रहा है? रहा है रुक रहा है हाँ सर बैलेंस फोर क्या कर दिया मैंने पे कर दिया गवर्नमेंट को सर सिक्स पॉइंट वन सिक्स क्या बेटा आवाज नहीं आ रही मालिक वेट की रेवेन्यू है ये वेट किसको पे करना है स्टेट गवर्नमेंट को पे करना है क्या मेरे मेरे पास स्टेट गवर्नमेंट का कोई वेट क्रेडिट पड़ा है क्या सर यस इट इज अवेलेबल कितना अवेलेबल है सर मैंने 4.4 का वेट क्रेडिट यूज किया बैलेंस 1.76 पे किया भारत माता की जय यस या नो चलिए क्वेश्चन मेरा आपसे ये है एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लो आपसे टफ पूछू ठीक है सर, सर life, है बहुत बढ़िया सर सर दैट्स वॉट इज कॉल्ड चैलेंज द लाइफ है मान लो वेट क्रेडिट एक्स्ट्रा था मेरे पास क्या वो एक्सरसाइज के लिए काम आ सकता था क्या सर कैन आई यूज द वेट क्रेडिट फॉर पेइंग द ऑफ एक्सरसाइज कैन आई यूज क्रेडिट फॉर वेट अगर मान लो सेंडविड क्रेडिट एक्स्ट्रा होता और वेट की लाइबिलिटी एक्स्ट्रा होती क्या सेंडविड क्रेडिट को मैं वेट के लिए यूज कर सकता हूं क्या सर वाई <गांगी> नोट सर सेंडविड क्रेडिट एक्साइज सर्विस टैक्स इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जब टैक्स मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है तो सर क्रेडिट कैसे स्टेट गवर्नमेंट देगा सर जब मैंने टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को पे किया तो हाउ दैट दैट क्रेडिट बी यूज्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स बेटा बैठ है ना भाई सर अगर मैंने कुछ एडवांस टैक्स आपको पे किया तो रिमेनिंग टैक्स जो होगा वो मैं आपको पे कर दूंगा पर एडवांस टैक्स पे किया स्टेट गवर्नमेंट को और बाकी का रिमेनिंग टैक्स मैं आपको पे करूँ चलता है क्या सर सर जिस स्टेट का जिस गवर्नमेंट का रेवेन्यू है उससे हम क्रेडिट ले सकते है सर है हाँ ना भाई क्लियर इसलिए सैनवेट क्रेडिट कैन नॉट बी यूज फॉर सर वेट क्रेडिट एंड वेट कैन नॉट बी यूज फॉर सैनवेट हा है ना भाई यही तो सी जी एस टी और एस जी एस टी है सर अभी रुको थोड़ी देर आप क्लियर अभी बन रहे कॉन्सेप्ट मैं चाहता हूं कि सर मैं नहीं पढ़ाऊं आपको आपके दिल से अपने आप आवाज निकले यहां सर ये यह होना चाहिए क्लियर सर आप पहले बहुत बेसिक पे जाके बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कॉन्सेप्ट समझ में आगे ना सर और मैं कह रहा हूं आप सर फाइनल लेवल पे हो सर कोई छोटे बच्चे नहीं हो जिसको मेरे को कुछ पढ़ाना पड़े नहीं सर आप बहुत मैचोर्ड पर्सन हो सर आपने सर दो तीन साल से आप ट्रेन में धक्का खा खा के सर आर्टिकल शिप कर रहे हो सर रोज और उसके बाद भी रात को सुनने मिलता है आज कुछ भी नहीं किया तूने सर <laughs> सर ध्यान देना उसके बाद आप यहाँ पहुंचे हो सर तो सर यू आर मैच्योर्ड इनफ अगर आप लोगों को मैं सर ये कह दूँ ना सर मेरा पता है काम क्या है सर आपके माइंड को यूज़ करना मेरा काम है सर मैं आपका ही माइंड यूज़ करूंगा ध्यान घंटे पर सर आपको थोड़ा सा मेरा मेरा काम क्या डायरेक्शन देने का आई एम अ कोच यू आर दी अल्टीमेटली प्लेयर्स क्लियर तो सर दिमाग तो आपका ही काम आएगा मेरा काम नहीं आएगा पर सर उस दिमाग को कैसे यूज करना है वो मैं आपको समझा दूंगा ध्यान देना बच्चों सर पॉइंट मेरा आपसे ये है कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स पे किया था क्या उसका क्रेडिट स्टेट गवर्नमेंट देगी क्या कभी भी ये लॉजिकल बात है कि नहीं सर इसमें मैंने कुछ पढ़ाया क्या आपको सर आपका दिल आपका दिल आपका दिमाग कराना रहना सर ये बात बस बात खत्म हो गया पढ़ाई खत्म अपना वहां तक क्लियर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा सर आपको आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा सर गारंटी से ये टॉपिक खत्म हो गया सर मेरे आपके लिए क्लियर यहां तक बात समझे क्या आप आवाज नहीं आ रही सर yes, बहुत बढ़िया जबरदस्त माहौल एकदम मेरा पॉइंट माहौल एकदम जबरदस्त शानदार सर मेरा पॉइंट आपसे ये आखिर दस का क्रेडिट क्यों मिला यस yes, सर आंसर चाहिए सबसे चाहिए पूरा चाहिए ढंग से चाहिए दस का क्रेडिट क्यों मिला इसके लिए ना पागल सी बात नहीं करने का रहे टैक्स बोलने का क्या सर ये वो मंत्र है जिसकी वजह से मैं पूरा जीएसटी खत्म करने वाला हूं दस का क्रेडिट क्यों मिला क्योंकि मैं लास्ट में बोल रहा हूं आपसे फिर आपको बोलना है क्योंकि टैक्स जो लग रहा है पूरे वन पे लग रहा है विच इंक्लूड्स हंड्रेड रटना नहीं है मकअप नहीं करना है सर दिल तक बात पहुंचनी चाहिए सर टैक्स जो लग रहा है पूरे 140 पे लग रहा है विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच ऑलरेडी पेड द टैक्स और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैश कैन इन दस का क्रेडिट मिला हा वन टू थ्री गो दस का क्रेडिट क्यों मिला क्योंकि टैक्स लग रहा है पूरे विच इंक्लूड्स हंड्रेड ऑन विच वी द टैक्स और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है सो टू अवॉइड द एंड कैशिंग इफेक्ट दस का क्रेडिट मिला पक्का एक बार आंखें बंद आंखें बंद और सर अब आपको अब वो सोना नहीं हुए, सर बहुत सारो तो आ रहा है सर क्या दिल की बात कह सर गारंटी है सोने नहीं दूंगा मैं आपको सर आंखें बंद और हाँ अगर बीच में एक भी आंख खुली हुई दिख गई तो वो यहां पे आके बोलेंगे सबके सामने सर क्या आखिर दस का क्रेडिट क्यों मिला आंखें बंद सर विजुलाइज़ करना है आपको दस का क्रेडिट क्यों मिल रहा है क्योंकि टैक्स लग रहा है वो पूरे जस्ट फील फील इट करो इसको रटना नहीं है जस्ट फील इट और वापस से पूरे वन फोर्टी इंक्लूडिंग हंड्रेड पे टैक्स लग रहा है यार मल्टीपल टैक्स हो जाएगा कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा सो तो वर्ड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैश कैरिंग इनफैक्ट दस का क्रेडिट मिला ओम शांति शांति धीरे धीरे आंख खोलना बेटा एकदम धीरे धीरे आ खोलो अब <laughs> यहां तक समझना आपको मेरा पॉइंट क्लियर पक्का हंड्रेड परसेंट चलिए मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यह है ये फोर पॉइंट फोर का वेट क्रेडिट क्यों मिला सर फोर पॉइंट फोर का वेट क्रेडिट क्यों मिला यस yes, सर क्योंकि तो टैक्स लग रहा है पूरे 154 पे लग रहा है विच इंक्लूड हंड्रेड एंड टेन ऑन विच वे ऑलरेडी पेड द वेट और वापस से पूरे 154 इंक्लूडिंग 110 पे वेट लग रहा है सो टू अवॉइड द एंड कैश स्कैनिंग इफेक्ट क्रेडिट मिला हां ना पता है सर अगर आप ये विजुलाइज नहीं करते हैं तो शायद चीजें याद करते हैं सर आपने विजुअलाइज किया दिल तक बात पहुंच गई सर अब सर फिगर्स चेंज होते रहेंगे सर क्रेडिट मिलता रहेगा सर हा है ना भाई क्लियर yes. वेट हो या फंडा होया सेम फंडामेंटल समझ में आया नहीं आया सर आवाज नहीं रही सर yes, चलिए सर तो दस का क्रेडिट क्यों मिल रहा है समझ में आया फोर पॉइंट फोर का वेट क्रेडिट क्यों मिल रहा है समझ में आया आपको क्लियर तो ऐसा नहीं कि केवल सैंडविट क्रेड मिलता था वेट का क्रेडिट भी मिलता था ओके सर जब इतने क्रेडिट मिलते थे आखिर तो क्या तकलीफ थी पुराने लोगों के अंदर आखिर क्या लकुना था पुराने लोगों के अंदर जो आप ये हो कि इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म कोई हुआ है तो उसका नाम क्या है जीएसटी आखिर क्या तकलीफ थी सर सर चलिए बात करते हैं और आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे अच्छा यहां तक समझ है आपको yes, अच्छा हम क्या पढ़ रहे हैं मैं क्या पढ़ रहा हूं कोई मतलब नहीं सर अपना। आप मस्त होकर सुनो सर आप इतना विश्वास करके यहां तक पहुंच गए बाकी मैं ले जाऊंगा सर आपको

बात ये ये मेरा पॉइंट है कि सर बिफोर जीएसटी अभी तो जीएसटी आया ही नहीं सर अभी तो चल रहा है क्या एक्साइज सर्विस अभी तो हम छोटे बच्चे सर दो से पहले आपकी जो एज थी वो चल रही सर अभी आपकी सर अभी थोड़ी देर बाद हम बड़े होंगे सर अच्छा आपको ब्रेक चाहिए क्या बेटा बीच में मतलब जेनविनली पूछ रहा हूं आपको ब्रेक चाहिए बेटा ठीक है दे दूंगा ओके सर तो मैंने बोला आपको ब्रेक चाहिए आपने बोला ये थोड़ा अभी के भी चाहिए सर अच्छा अभी चाहिए आपको ब्रेक पक्का ना दे भी रहा था वैसे भी सर सुनना बात को ध्यान से <coughs> अच्छा आपको जेन्युनली पूछ रहा हूं अभी ब्रेक चाहिए क्या बेटा पक्का ठीक है सर जेन्युनली कह रहा हूं नहीं दे रहा था सर <coughs> पॉइंट ये यार बिफोर जीएसटी सर्विसेज प्रोवाइड करने पर लगता था क्या सर्विस टैक्स सेल ऑफ गुड्स पे लगता था क्या वेट सेल्स टैक्स मैन्युफैक्चर करने में लगता था क्या एक्साइज और मैन्युफैक्चर अगर बेच रहा है गुड्स तो वेट भी लगेगा सर तो मैन्युफैक्चर पे दो टैक्स थे कौन कौन से एक्साइज और वेट सर्विस प्रोवाइडर पे केवल सर्विस टैक्स क्योंकि वेट सेल्स सर्विसेज पे नहीं लगता था सर हा है ना सर्विस टैक्स इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सेल ऑफ गुड्स अगर मैं ट्रेडर हूं मेरा दुकान है मेरा शोरूम है आई एम जस्ट ट्रेडिंग द गुड्स बाइंग द गुड्स एंड सेलिंग द गुड्स क्या लगेगा सर आवाज नहीं आ रही सर वेट सर सुना ध्यान से ओके सर क्या लगेगा मालिक वेट अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो एक्साइज और वेट दोनों लगेगा अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं तो मेरे पे सर्विस टैक्स लगेगा इफ आई एम अ ट्रेडर तो केवल वेट लगेगा यहां तक क्लियर चलिए सर अच्छा यार अगर मेरे सेल पर एक्साइज लग रहा तो क्या मिलेगा परचेज पे अगर एक्साइज पे किया तो क्या मिलेगा क्रेडिट अगर मेरी सेल पे वेट लग रहा है पे वेट पे किया है तो क्या मिलेगा वेट का क्रेडिट मिलेगा बेटा सर ये हमने पढ़ लिया कि दस का क्रेड क्यों मिला ये हमने पढ़ लिया फोर पॉइंट फोर का वेट क्रेडिट क्यों मिला अच्छा मान लो मेरे गुड्स पर आई एम अ मैन्युफैक्चरर आई एम अ मान लो मेरी सेल पर एक्साइज लग रहा है पर वेट नहीं लग रहा तो क्या होगा सर क्रेडिट मिलेगा पर वेट क्रेडिट नहीं मिलेगा मान लो मेरे सेल पे वेट लगता है पर एक्सरसाइज नहीं लगता तो वेट का क्रेडिट मिलेगा पर सैंडवर्ड क्रेडिट ये तो कंफर्म है ना बेटा ऐसा तो नहीं लिख दिया ये मैन्युफैक्चरर है तो हमेशा एक्सरसाइज और वेट का क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा ऐसा तो नहीं है भाई परचेज पे टैक्स पे क्या तो क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा ऐसा तो नहीं है सर नहीं तो क्रेडिट क्यों मिलेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये पिक्चर आपको समझ में आ गई है चलो अब मान लो मान लो

सर्विस टैक्स अगर मैंने पे किया मान लो आई एम ए मैन्युफैक्चरर मैंने आपसे इंजीनियरिंग सर्विसेज लिए आपसे मार्केटिंग सर्विसेज ली आपसे अकाउंटिंग सर्विसेज ली आपसे कंसल्टेंसी सर्विसेज ली आपसे एडवर्टीजेंट सर्विसेज ली इनमें क्या पे किया होगा मालिक सर्विस टैक्स सर्विस टैक्स इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज इज ऑल्सो द रेवेन्यू ऑफ तो सर गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपने सर्विस टैक्स पे किया या एक्साइज पे किया कोई फर्क नहीं पड़ता यू विल बी एलिजिबल टू अवेल द क्रेडिट ऑफ बोथ दिस टेक्साइज और आपके सेल पर एक्साइज लगे या सर्विस टैक्स लगे कोई दिक्कत नहीं है आपको यूज़ हो जाएगा मतलब मेरी सेल पर चलो आई एम अ मैन्युफैक्चरर और अ सर्विस सप्लायर इफ आई एम अ मैन्युफैक्चरर और अ सर्विस सप्लायर इनरेस्पेक्टिव फैक्ट कि मैंने परचेज पर सर एक्साइज पे किया या सर्विस टैक्स पे किया सर दोनों का मेरे को क्या मिलेगा सैन्य क्रेडिट और दोनों का क्रेडिट मैं यूज कर सकता हूं दोनों के लिए सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्लियर मतलब आपने परचेज पे एक्साइज पे किया हो या सर्विस टैक्स पे किया हो भूल जाना दोनों को एक ही अकाउंट में डाल देना एक ही बॉक्स में डाल देना उसका नाम क्या होगा सैन्य क्रेडिट अकाउंट बेटा हाँ ना बेटा अब सेल पर आपके एक्साइज लगे या सेल पे वेट लगे सर उस बॉक्स को यूज कर लेना उस अकाउंट को यूज कर लेना बेटा हाँ ना भाई चले सर तो आई एम अ मैन्युफैक्चरर

वेट क्रेडिट तो सर एक्साइज हो सर्विस टैक्स हो या वेट हो कोई टेंशन नहीं है सबका क्रेडिट मिल रहा हा है ना भाई चलिए सर मैं मैन्युफैक्चरर मैंने, मैंने गुड्स आपको बेच दिया आपका शोरूम है एसी का सर मैं एसी का मैन्युफैक्चरर था एसी बना के आपको बेच दिया यू आर अ डीलर ऑफ द एसी यू आर अ ट्रेडर ऑफ द एसी भली डिस्ट्रीब्यूटर हो भली होलसेलर हो भले शोरूम वाले हो सर रिटेलर आप एसी बेचते हो एसी बेचने के लिए आपने एसी सी परचेज किया मेरे से हूं हूं करो सर

ना सर्विस टैक्स लग रहा न एक्साइज लग रहा सर आपकी सेल पर केवल वेट लग रहा तो सर क्या आपको सैनवेड क्रेडिट ऑफ एक्साइज या सर्विस टैक्स मिलेगा सर नहीं। आवाज नहीं आ रही यहाँ कोई सैनवेड क्रेडिट नहीं मिलेगा क्या मिलेगा वेट का क्रेडिट मिल जाएगा बस आपको बेटा हाँ है ना बेटा तो अल्टीमेटली आपने परचेज पे पर अगर एक्साइज पे किया अगर आपने परचेज पर सर्विस टैक्स पे किया तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा तो आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा बेटा कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा Clear? अब आप सोचिए सर अगर आप एक शोरूम वाले हो, आपको मैं था, 15 तो वन लेख फिफ्टी थाउजेंड जो मैंने आपसे चार्ज किया यू टेल मी एक रुपए का भी क्रेडिट आपको मिलने वाला है क्या तो एंटायर वन फिफ्टी विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर कॉस्ट हा है ना दिल दुखेगा कि नहीं दुखेगा सर दिल दुखेगा कि नहीं दुखेगा सर कि आपकी सेल पे वेट लग रहा है परचेस पे सर्विस टैक्स पे किया परचेस पे एक्साइज पे किया एक रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिल रहा ये ये ट्रेडर्स ट्रेडर्स का दुख दुख था बेटा अच्छा ट्रेडर्स के लिए केवल नहीं था और भी बहुत सारे दुख थे सर ये तो वन ऑफ द दुख बताया मैंने जो मेजर दुख था सर आप एक सर्विस सप्लायर हो मान लो कौन है मालिक अरे सीए का ऑफिस है सर आपका कंसल्टेंसी का ऑफिस है मालिक यू आर अ कंसल्टेंट क्या करते हो कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो सर्विसेज प्रोवाइड करने में क्या लगता है बेटा हम ये कमर्शियल ट्रेनिंग और कोचिंग सर्विस दे रहे बेटा क्या लगता है मालिक इस पे सर्विस टैक्स अब सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हमने सर कैमरा परचेज किया ये आईपैड परचेज किया सिस्टम परचेज किया ये लाइट्स परचेज करी ये एसी परचेज किए सर ये प्रोजेक्टर परचेज किया इस क्लासरूम में आपको जो दिख रहा है सब परचेज किया हमने चोरी तो क्या नहीं होगा बेटा शक्ल देख के क्या देख रहे हो सर <laughs>

जो एक्साइज पे करता है एक्साइज कौन पे करता है मैन्युफैक्चर तो सर अगर मेरे को इस एक कैमरा का सेंड सेंडमेड क्रेडिट लेना है तो आई शुड बाय दिस कैमरा डायरेक्टली फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरर. ये सोने का कैमरा हाँ चेक मत करो सर कई सारी चीजें आपने मान ली बेटा ये तो एक्चुअली है और ब्रेक होता है आप और देख के चले जाना बेटा ऐसा सर ये देखो झुक के देख रहा है बेटा सर पॉइंट ये वो ऑडिट करते करते सर वेरिफिकेशन की इतनी आदत हो गई सर सर <laughs> मान लो अब ये सोनी का कैमरा हमारी कोचिंग सर्विस प्रोवाइड करने में काम आ रहा है इसके परचेज पे अगर एक्साइज मेरे को क्रेडिट लेना है तो आई शुड बाय डायरेक्टली दिस कैमरा फ्रॉम मैन्युफैक्चरर सर ये कैमरा का मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री क्या है पता है आपको बेंगलुरु नहीं पता आपको बेटा मेरे लिए बहुत ईजी बताना बेटा सर <laughs> सर अब सोचो आप ध्यान से सर अगर ये कैमरा मैं परचेज करना जा रहा हूं मैन्युफैक्चरर से तो आई शुड गो टू मुंबई अंधेरी से लाइट बेंगलुरु किसके लिए एक कैमरा खरीदने के लिए कहा जाऊंगा मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री सर वहां जाके बोलूंगा क्या वो बोलेगा एक ट्रक कैमरा तो मैंने कहा एक ट्रक नहीं एक कैमरा बाहर निकल पहली बात तो मैं वहां जाऊंगा नहीं जाऊंगा तो वो कोई रिटर्न में भेजने वाला है नहीं सर है हाँ ना, तो मैं किससे परचेज करूंगा सर? मेरे आसपास जो शोरूम वाले होंगे दुकान वाले होंगे हाँ है ना बेटा उसके जाके मैं कैमरा परचेज करूंगा सर, वो क्या लगाएगा हिज अ ट्रेडर वो बिल पे क्या लगाएगा वेट right. सर मैं कौन हूं सर्विस सप्लायर सर वेट का क्रेडिट जो चाहिए वो है नहीं जो है वो चाहिए नहीं प्लीज डोंट लिंक इट विद द लाइफ सर सर सुनना बात ध्यान से एक साइज का क्रेडिट मिलता है वो बिल पे है नहीं जो बिल पे है उसका क्रेडिट मिलता नहीं सर जिंदगी बर्बाद हो गया हा है ना भाई सर दैट्स फॉर द लाइफ वाज बिफोर द सर आप मुझे बताओ सर्विस सप्लायर प्रैक्टिकली सोचे देखना ये लैपटॉप ये computer, ये iPad, ये कंप्यूटर आईपैड जो भी आप, जितने भी गुड्स गुड्स आप 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 देख नदर, आप देख रहे हो इस क्लासरूम के अंदर लीजिए सर सर एक रुपए भी क्रेडिट मेरे को नहीं मिल रहा था सर सोच देखो जबकि कहीं ना कहीं तो मैन्युफैक्चर हुआ है बेटा ये एक्साइज तो इसमें लगा ही लगाया कहीं ना कहीं सर सर बट डू डू ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज आई वाज अनेबल टू क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे को एक रुपए का भी सैन्य क्रेडिट नहीं मिल पा रहा था प्रैक्टिकली भाव के बाद देखिए आप सर वेट का मेरे को क्रेडिट मिलता नहीं है क्रेडिट मिलता है पर वो मेरे बिल पे होता नहीं सर क्लियर ये दुख थे प्री पर प्री जीएसटी रिजीम में सर अच्छा मैन्युफैक्चरर को कम दुख नहीं थे सर आप ये मत समझो कि मैन्युफैक्चरर को तो एक्साइज हो वेट हो सर्विस टैक्स हो सबका क्रेडिट मिल रहा है पर मैनुफैक्चर अपने शोरूम के लिए एसी सी परचेज किया मैनुफेक्चर अपनी फैक्ट्री के लिए एसी परचेज किया लैपटॉप परचेस किया क्या वो मैन्युफैक्चरर तो क्या डायरेक्ट बेंगलोर चला जाएगा क्या वो वो लिख के जाएगा मैं मैन्युफैक्चरर मेरे को कैमरा दे दो एक एक तो वो भी कई सारी गुड्स ऐसी परचेज करता था जो उसको डायरेक्ट ट्रेडर से परचेज करना होता था सर उस पर एक्साइज पे हुआ हुआ है पर ड्यू टू सर उसको बिल नहीं मिल पाता था एक्साइज वाला उसको भी क्रेडिट नहीं मिल पाता था मतलब स्मूथ फ्लो ऑफ आईटीसी नहीं था ऑल दो प्रोविजन मिलेगा हम क्रेडिट देंगे बट केवल वो प्रोविजंस में लिखा था सर मैं भी सर बारह तेरह साल से पढ़ा रहा, रहा हूँ दस का क्रेडिट क्यों मिला दस का एक रुपये का क्रेडिट नहीं लिया सर जब सर्विस नहीं लिया आज तक किसी कैमरा लाइट किसी का क्रेडिट नहीं लिया और सर दस का क्रेडिट क्यों मिला पढ़ा रहा था सर मैं हा है ना भाई दिस इज द फैक्ट आप मुझे बताओ सही हो रहा है क्या सर ये आवाज ये सर इसलिए There was a a need of a need of a system jo in sab जो इन सब को taxes करके सारे kar को aur कर दे और एक ही नाम कर दे क्या tax sir sir manufacturer bechega तो भी क्या लगेगा Trader bechega तो भी क्या लगेगा Service supplier bechega तो भी क्या लगेगा Purchase पे जीएसटी सेल पे जीएसटी सर आप मुझे बताओ इनपुट टैक्स क्रेडिट chain स्मूथली फ्लो होगी कि नहीं होगी सर सर ये सपना देखा गवर्नमेंट ने सर ये सपना देखा गवर्नमेंट ने और बोला क्या हम हमारे देश के अंदर जीएसटी लाएंगे पता है ये सपना कोई अभी नया नहीं है 2017 में तो सपना पूरा हुआ है मोदी जी ने पूरा किया सर हाँ मोदी है तो मुमकिन है बहुत बढ़िया बेटा बाकी डायलॉग बाद में लेंगे बेटा सर सरकार यह सपना कोई नया नहीं है सर बहुत पुराना पता है 1994 पहली बार आया था सर्विस टैक्स पता है आपको इससे तो मैं आया बेटा और किस लिए आया मैं सर अब मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं किस लिए आया हूं सर 1994 पहली बार सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था क्योंकि सर ग्लोबल लेवल पे अगर हम बात करें गवर्नमेंट जीएसटी चाहती थी सर, सर्विसेज पे टैक्स था ही नहीं केवल गुड्स टैक्स थे बेटा हा है ना नाइनटीन में गवर्नमेंट ने देखा कि नाउ पीपल आर अर्निंग फ्रॉम सर्विसेज ऑल्सो और उस पर तो हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है सर गुड्स बेचते हो तो एक्साइज मिलता है गुड्स बेचते हो वेट मिलता है सर्विसेज बेचते हो लड्डू <laughs> तो सर गवर्नमेंट ने बोला नहीं सर दुनिया भर में टैक्स लग रहा है सर्विसेज पर हम क्यों ना लगाए 1994 में ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस दे इंट्रोड्यूस थ्री सर्विसेज एज द टैक्सेबल सर्विसेज और केवल तीन सर्विस पे टैक्स लगाया सर कब नाइनटीन में देखना ध्यान से सर 1994 में जब पहली बार सर्विस टैक्स आया तब देर वर ओनली थ्री सर्विसेज पे क्या लगाया बेटा सर्विस टैक्स राइटिंग समझ मारी आपको मेरी थोड़ी और बिगड़ेगी बेटा भी है सर एग्जाम में जब आप आंसर लिखते हो बेटा फर्स्ट पेज और लास्ट पेज को देख लेना बेटा लगे ही नहीं कि सेम आदमी है बेटा ये <laughs> 1994, 1994 में जब सर्विस टैक्स पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ तब देर वर ओनली थ्री टैक्सेबल सर्विसेज़ ऑन विच टैक्स चार्ज टैक्सेबल सर्विस लिखता हूं टी सर्विस टैक्सेबल सर्विसेज़ एक काम करते हैं रुको देर वर ओनली थ्री टैक्सेबल सर्विसेज जिनपे क्या लगता था सर सर्विस टैक्स पता है धीरे धीरे गवर्नमेंट हर बजट के अंदर हर फाइनेंस बिल के अंदर कुछ सर्विसेज और ऐड करती गई और ऐड करते गए, और करते गए, और ऐड करते हर बजट के अंदर कुछ सर्विस इंडस्ट्री में हंगामा बेटा क्लियर फिर एक दो महीने में लोग शांत होते और मानना ही पड़ता बेटा क्लियर सर यू वॉन्ट बिलीव सेवेंटीन ईयर्स में टिल टू थाउजेंड इलेवन सर There were 119 taxable services. कितनी? Sir, ये 17 साल में लगभग लग बढ़ गया सर्विस और नहीं चालू हुई है लोग रेवेन्यू एन कर रहे आ जाओ साहब क्लियर केवल कुछ सर्विसेज ऐसी थी जिन पे टैक्स नहीं लगाना था जैसे स्कूल सर्विस अरे आप कभी स्कूल गए बेटा कोई बात नहीं अच्छे से पढ़ाई करो अपने बच्चों को जरूर भेजना सर <laughs> सर सर ये तो, तो बर्बाद हो गया सर सुनना बात के, ये जो सीए करने के बाद जो आपको नॉलेज मिलता ना सर ध्यान सीए डिग्री ठीक है अपने आप में एक बहुत, बड़ी, बहुत मस्त और शानदार डिग्री है सर पर सर ये जो सीए सी ए जर्नी सिखाती ना सर वो लाइफ में कोई कोर्स नहीं सिखा सकता सर आपको सर डिग्री तो यही है पर यह जर्नी जो आपको सिखाती है ना सर वो लाइफ में कुछ नहीं सिखाता कोई भी नहीं सिखा सकता सर आपको कोई कितना सर लोग एम करते हैं वहाँ मैनेजमेंट लोग सीखते हैं आप मैनेजमेंट करते हो हाँ है ना सर आपको ऐसे ही मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सर आप खुद की लाइफ देख ली सर अपने आप से सर सुबह सात से दस या क्लास ऑफिस वालों ने बोल दिया टेन थर्टी ऑफिस पहुंचना ही पहुंचना है कुछ भी हो जाए सर तो बहुत सालों ने मैनेजमेंट किया सर वहां से यार टाइम कैलकुलेट किया सर हमको 9:45 निकलना ही पड़ेगा लेक्चर से पहले सर से मिल लिया सर नाइन निकलेंगे आप डाटोगे तो नहीं सर आप नाराज तो नहीं होंगे गए नहीं, नहीं नाराज होंगे सब क्यों नाराज होंगे जिंदगी आपकी मुझे पता है कैसी है क्लियर फिर गए ऑफिस ऑफिस पहुंचे सर टेन ट्वेंटी फाइव से बोस् देख रहा टाइम सर आया कि नहीं आया जैसे ही टेन थर्टी हुए आप थर्टी टू पर एंटर हुए हाफ डे लग गया फिर साहब शाम को अब छह बजे निकल नहीं सकते सर क्लियर शाम को आठ तो वही बज गई फिर सर ने बोल दिया कोई बात नहीं लैपटॉप लेके जा तो <laughs> जो हमारे कॉलेज फ्रेंड्स है जो दूसरे वो बोलते तो तुम्हारा ऑफिस वालों ने तुमको लैपटॉप भी दे उनको क्या पता रात भर <laughs> काम करना है और सर ने फर सर सुबह लेक्चर है सुबह सात बजे सर सर फर्स्ट कंडीशन की सेम डे पढ़ के भी आना है क्लियर और सर वापस है सुबह छह बजे से कहानी शुरू हो गई आपकी हा ना तो आप तो मैनेजमेंट कर रहे हो हाँ ना एम बी ए करने वाले तो मैनेजमेंट सीखते हैं समझे आप मेरी बात तो ये जर्नी जो सीए की वो भारी है सर अपने आप में सो so, ये आपको बहुत सर, बहुत सारी चीजें सिखा रही है ठीक है अभी अपने कई सारी जगह सोशल मीडिया लगता है कि जिंदगी बर्बाद हो गई नहीं हुई सर जिंदगी सर आपकी बहुत शानदार तरीके से जा रही है एंड सर द वन जिसने जर्नी ढंग से जी ली सर उसकी जिंदगी बहुत मस्त होने वाली है मतलब अल्टीमेटली आपकी लाइफ बहुत शानदार ऐसा कहने से कि आपको थोड़ा अच्छा लगेगा बेटा सर <laughs> और मैं ब्रेक नहीं भी दूंगा तो चल जाएगा सर ध्यान से <laughs> पॉइंट ये मेरा आपसे अब सर पॉइंट ये मेरा आपसे कि 17 इयर्स में लगभग 40 टाइम्स ये टैक्स बढ़ गया सर्विस टैक्स और सर 2012 में तो कमाल हो गया सर पता है क्या किया बोल दिया क्या ऑल सर्विसेज विल बी टैक्सेबल

क्लियर इससे सपना देखा किसका जीएसटी का और बोला क्या सारे टैक्सेस मर्ज कर दो और सिंगल टैक्स रख दो नाम क्या होगा सर? One nation, one tax, one नाम क्या क्या होगा होगा सर वन 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 नेशन टैक्स मार्केट क्लियर अब सर वो सपना देखो सपना देखना और सपना पूरा करना बहुत फर्क होता ना बेटा सपने तो हम भी कई सारे देखते होंगे सर हाँ है ना तो सर अब सपना पूरा करने की बात आएगी तो सपनों के लिए मेहनत करनी पड़ती सर अब सर जब जीएसटी की बात आई वन नेशन वन टैक्स कर देंगे सर बहुत जोश में सर यहां तकलीफ कहती थी बताए देखो बच्चों सर्विस टैक्स और एक्साइज तो एक ही था आप देखो ना सर कि नाम अलग अलग था सर्विस टैक्स और एक्साइज बाकी दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट की टैक्सेस सर्विस टैक्स पे क्या हो एक्साइज पे क्या, पे क्या दोनों का सर्टिफिकेट मिल रहा है बेटा आपको हाँ है ना और सर दोनों का ग्रेड मिल था सर देखना क्या होगा मालिक दोनों टेक्स, दोनों टैक्सेस तो एक ही सर वहां दिक्कत नहीं थी पर सर जीएसटी के अंदर इनको मर्ज करना था क्या स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस भी बेटा जो भी गुड्स और सर्विसेज पे लग रहे थे बेटा हा है ना अब सर इंडिया के अंदर इतने स्टेट्स उनके अपने वेट अपने वेट लॉस अपने अपने सर अपने हिसाब से बना रखे सर जैसे आज आप देखो ना देश अपना इंडिया सर स्टेट्स अपने यहां स्टेट चेंज करो भाषा चेंज हो है सर लैंग्वेज या स्टेट चेंज करो लोगों के कपड़े चेंज हो जाएंगे लोगों की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी लोगों का खाना चेंज हो जाएगा लोगों के भगवान चेंज हो जाएंगे सर हाँ है ना भाई और हर स्टेट ने अपने अपने सरकमस्टेंसेस के हिसाब से हर स्टेट ने अपने अपने सर सिचुएशंस सरकमस्टेंसेस uh, अपने अपने रिलीजन के हिसाब से अपने अपने सर कस्टम्स के हिसाब से अपना अपना वेट लो बनाया हुआ था सर हाँ ना भाई एंड सर यू वांट टू ब्रिंग द एंटायर इंडिया एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी विदाउट द स्टेट ऑफ इंडिया हाउ इज इट पॉसिबल हाउ इज इट पॉसिबल नॉट पॉसिबल एट ऑल दिसंबर 2010 बात सुनना कांग्रेस सरकार मतलब ठीक है कांग्रेस और बीजेपी वो छोड़ो भैया सर <coughs> मेरा वो पॉइंट नहीं है सर दैट इज़ नॉट माय टॉपिक राइट नाउ सर 2010 दिसंबर गवर्नमेंट ने बहुत मेहनत करके जीएसटी एक्ट बनाया बेटा बहुत मेहनत करी बेटा सिंगापुर वगैरह से कॉपी करके पेस्ट दिसंबर <laughs> दिसं चेंजेस करके बना दिया लो जीएसटी तैयार क्योंकि सर इलेक्शन का बहुत बड़ा मुद्दा है जीएसटी अपने आप में सर ठीक है अब सर पार्लियामेंट ने सर डिस्कशन के लिए आईसीआई को ऑफिशियल कम्युनिकेशन भेजा सर इसके लिए दिसंबर 2010 पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था सर इंडिया का पूरा हिंदुस्तान का पूरा सर टैक्सेशन सिस्टम चेंज करना है और आईसीआई को बोला आप अपने व्यूज दीजिए इस टैक्स पे ये जो हमने एक्ट बनाया इस पर अपने व्यूज दीजिए सर आप अपना डेलीगेशन भेज के रिप्रेजेंटेशन दीजिए पार्लियामेंट के अंदर कि 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 ये एक्ट सही है की की क्या है है गलत क्या 25 मिनट दिया इसे हाँ, मिन को <laughs> देश का पूरा टैक्सेशन सिस्टम बोलते ना इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म हो रहा है और 25 मिनट आईसीआई को इट वाज एन इंसल्ट ऑफ द आईसीआई और सर इन्फॉर्म कर दिया इनफॉर्मली कि तुम कुछ भी रिप्रेजेंट कर लो जीएसटी तो आएगा ना जीएसटी आई ना कांग्रेस आई <laughs> सर दिसंबर दो हजार दस सर आईसीआई सेंट्रल काउंसिल सर ध्यान देना नेता लोग ऐसे नहीं कि कुछ भी काम नहीं करते करते सर क्यों नहीं करते देखो ध्यान से आईसीआई सेंट्रल काउंसिल यस सुनना ध्यान से सर अब कौन मेंबर गया वो छोड़ो उसका नाम नहीं लूंगा यहां पे सर यस डेलीगेशन हेड करते हुए वहां गए पार्लियामेंट में सर पांच मिनट का स्पीच दिया <laughs> सर पांच मिनट सर उन्होंने बोला कि यू वांट टू ब्रिंग द एंटायर इंडिया एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म विदाउट द स्टडी ऑफ इंडिया या स्टेट चेंज करो जैसे मैंने बताया ना आपको ये उनका डायलॉग था सर यहाँ स्टेट चेंज करो लोगों की लैंग्वेज चेंज लोगों का खाना चेंज लोगों के भगवान चेंज लोगों के कपड़े चेंज एंड सर यू वांट टू ब्रिंग द एंटायर इंडिया एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म विदाउट द स्टडी ऑफ इंडिया सर्विस टैक्स एक्साइज में कोई तकलीफ नहीं है सर वो तो अभी भी एक ही है सर तकलीफ किस में वेट लॉस में जो हर स्टेट वाइज अलग अलग है एंड यू टू ब्रिंग द एंटायर इंडिया एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म विदाउट द स्टडी ऑफ इंडिया आप सर मुंबई नरीमन पॉइंट कोलकाता का जवेरी बाजार दोनों मेट्रो सिटीज दोनों के पिक पॉइंट है दोनों की प्रॉपर्टी रेट्स कंपेरेबल नहीं है विभिन्नता में एकता भारत की विशेषता सुना होगा आपने सर हा ना दोनों मेट्रो सिटीज दोनों के पीक पॉइंट है सर नारीमन पॉइंट सर अभी ठीक है मार्केट बीकेसी की तरफ इधर आ रहा है सर वो ठीक है पर नरिमन पॉइंट अपने आप में एक सबसे -सब बड़ा प्रॉपर्टी की पॉइंट है ऐसी तारीख में सर वहां की प्रॉपर्टी रेट्स और कोलकाता का जवरी बाजार सर ये दोनों पिक पॉइंट दोनों सिटीज के मेट्रो सिटीज के दोनों की प्रॉपर्टी रेट कंपेरेबल नहीं है हाउ कैन यू ब्रिंग द एंटायर इंडिया एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म विदाउट द स्टेट ऑफ इंडिया हम जीएसटी के अगेंस्ट नहीं है पर कॉपी पेस्ट जिस कंट्री से आप कॉपी करके पेश कर हो साहब वो तो हमारे किसी स्टेट से भी छोटे सर हा सर एवरी ऑफ पार्लियामेंट, वो कांग्रेस का हो भले वो बीजेपी हो के हो सर एवरी बडी वॉज आईसीआई। एंड वही मैटर ड्रॉप हो गया और बोल दिया ना हो पाएगा क्लियर और जीएसटी ना हो पाए इनसे सर हा है ना भाई पप्पू पास नहीं हुआ सर बात समझ में आई आपको मेरी ये अरे हाँ ना और वहां पे जीएसटी ड्रॉप हो गया एंड सर यू बिलीव 2010 दिसंबर क्लियर पर सर उम्मीद नहीं टूटी इनकी कि हाँ आएगा जरूर एक ना एक दिन करण अर्जुन आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे क्लियर अब इसकी इसका की कहानी टाइम ऑफ सप्लाई जब आएगा ना तो पढ़ाऊंगा मैं आपको इसका की कहानी कनेक्ट करूंगा मस्त एकदम सर उसके बाद उन्होंने क्या किया वो बताऊंगा टाइम ऑफ सप्लाई कैसा आया वो बताऊंगा सेक्शन कैसे बने क्यों बने वो बताऊंगा मैं आपको दो हजार के बाद क्या हुआ था सर वहां से कनेक्ट हुआ था सर सर अब सुनना बात से तो सर उस टाइम जीएसटी ना हो पाया अब सर जब मोदी जी एक्शन में आए सेंट्रल में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तब सर इन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा जो लिया बहुत बड़ा वो लिया किसका जीएसटी का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्योंकि सर इंटरनेशनल मार्केट से बहुत बड़ा प्रेशर था सर क्या आपके टैक्सेशन लोज इतने कॉम्प्लेक्स है कि हम अपना बिजनेस वहां पे कैसे इंट्रोड्यूस करें कैसे एक्सपांड करें क्या करें सर अब साहब जीएसटी लाना है हाँ है ना अब सर जीएसटी लाना है सपना पूरा है। और मोदी जी ने बोल दिया सर जीएसटी लाना है मतलब सर बस लाना है स्टडी करो लग जाओ काम पे सर लग गए सब लोग काम पे सर वन नेशन वन टैक्स अब सर सोचो आप स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस और सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस अगर दोनों मर्ज कर देंगे जीएसटी कर बना देंगे परचेस पे जीएसटी सेल पे जीएसटी परचेस जीएसटी सेल पे जीएसटी ठीक है भाई पर रेवेन्यू किसका होगा जीएसटी सेंट्रल को दे देंगे तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी बेटा स्टेट को दे देंगे सेंट्रल क्या करेगी भाई? पैसा दोनों को चाहिए बेटा? है ना भाई? सर तो तो क्या करेंगे? तो बोला मिल बांट के खाएंगे सर और वहां कॉन्सेप्ट आया किसका डुअल मॉडल जीएसटी का सीजीएसटी एंड एस 50 फिफ्टी परसेंट जीएसटी फिफ्टी परसेंट एस जी एस टी क्लियर समझा मेरी बात तो सर अगर एटीन परसेंट टैक्स है तो नाइन परसेंट होगा किसका सेंट्रल गवर्नमेंट का नाइन परसेंट होगा किसका स्टेट गवर्नमेंट का एवर इज द रेट ऑफ टैक्स डिवाइड बाई टू बात खत्म क्लियर ऑन एवरी सप्लाई वेदर इट इज गुड्स और सर्विसेज क्लियर फिफ्टी परसेंट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का फिफ्टी परसेंट होगा स्टेट गवर्नमेंट का यह बहुत सारे डिस्कशन के बाद कंक्लूजन निकला साहब ऐसा नहीं निकला सारी स्टेट गवर्नमेंट को साथ में लेकर चलना है भले वो कांग्रेस वाले स्टेट हो या बीजेपी वाले हो या कोई और ही हो सर समझ लो मेरी बात तो सारे पढ़े लिखे लोगों ने वेल मिनट वेल एजुकेटेड याद है कि जीएसटी कि कि आएगा सी जी एस टी और एस जी एस टी हाँ ना भाई क्लियर चलिए सर मैं कहूँ बेटा अभी बेटा अपन कहा भूल गए सर जिंदगी कहा चल रही है बस सर जीएसटी सर अरे मुंबई अंधेरी हो है हाँ ना महाराष्ट्र में है ना बेटा मुंबई चलिए सर मालूम मुंबई महाराष्ट्र में आप क्या नाम सर आपका कुशल सर आप भी मुंबई महाराष्ट्र में मैंने आपको कोई गुड्स बेचा हाँ है ना आप भी महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र इंटरास्टेड सप्लाई क्लियर क्या लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी सीजीएसटी गे? किसको देंगे सर एसजीएसटी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट बेटा मान लो वन लेक वॉज टैक्स तो फिफ्टी थाउजेंड हो गया सी जी हो गया महाराष्ट्र एस बेटा हाँ है ना बेटा क्लियर yes. क्या नाम सर आपका yes. राहुल जी राहुल मोदी <laughs> सर सर आपका लोकेटर बेटा गुजरात बेटा कहा से बेटा गुजरात से मैं कहा बेटा मुंबई महाराष्ट्र मुंबई से मैंने महाराष्ट्र से गुड्स मैंने भेजा कहा गुजरात yes. क्या ये इंटरस्टेट क्या है सर ये इंटरस्टेट अब क्या लगेगा ये तो आपने पढ़ा हुआ इसलिए बोल रहे हो <laughs> ये तो आपने देखा इसलिए बोल रहे हो सर इंटरसेप्ट लगता है आईजीएसटी क्यों सोचो ना ये चीजें मतलब आप सोचो महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में सेल हुआ फिफ्टी परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को फिफ्टी परसेंट स्टेट गवर्नमेंट को चलो कोई तकलीफ नहीं है पर अगर इंटर स्टेट सेल हुआ किसको रेवेन्यू देंगे साहब आईजीएसटी लग गया चलो ठीक है किसका रेवेन्यू है सर ये सेंट्रल का स्टेट का समझ रहे मेरी बात बस बस आगे नहीं चाहिए मेरे को आंसर नहीं चाहिए आप प्रॉब्लम समझिए सर मेरी बात समझो सोल्यूशन नहीं चाहिए सर सोल्यूशन अपना आप आएगा आप पहले तकलीफ तो समझो हम क्या करते हैं बुक्स उठाते हैं डायरेक्ट सोल्यूशन पढ़ लेते सर प्रॉब्लम तक तो पहुंचे ही नहीं हम सर इसलिए बुक्स याद करने लग जाते हैं हम लोग याद ही नहीं करना पड़ेगा सर गारंटी है सर अब सरकार इंटरेस्ट तो क्या होगा इंट्रास्ट तो क्या होगा अच्छा अभी अभी आपने कहा कि सर सी जी एस टी और एसजीएसटी फिफ्टी परसेंट रेवेन्यू एस जी एस टी किसका रेवेन्यू है सर सी जी एस टी तो सी जी एस टी एक्ट कौन बनाएगा एसजीएसटी एक्ट कौन बनाएगा कौन सा स्टेट बनाएगा हर एक स्टेट अब अगर हर एक स्टेट अपना अपना एसजीएसटी अलग अलग बना दे लग गए बेटा हो गया वन नेशन वन टैक्स सोचो आप ध्यान से हो गया जीएसटी समझ रहे मेरी बात सर हर स्टेट गवर्नमेंट अगर अपना अपना एस जीएसटी अलग बना दे तो, तो लॉड के बद्दू घर को आए कि सी जीएसटी तो एक्साइज और सर्विस टैक्स हो गया बेटा और स्टेट गवर्नमेंट का वेट लो था उसका नाम चेंज करके स्टेट गवर्नमेंट एस कर दिया बेटा फिर तो वही वह ना यार क्लियर अब क्या होगा अगर सारे स्टेट के अपने अपने एक्ट अलग होंगे अपने अपने हिसाब से अगर वो एक्ट बना दे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अपने हिसाब से एक्ट बना दे तो तो सर क्लियर अब क्या होगा कैसे बनेगा क्लियर टू बी कंटिन्यूड आफ्टर द ब्रेक माहौल सर ओके yes. okay. सर यहां तक पॉइंट समझ में आया आपको मेरा ये अरे क्लियर दो मिनट मंगेश भैया यहां तक पॉइंट समझ में आया मेरा आपको ये अच्छा आपको ब्रेक चाहिए बेटा ब्रेक चाहिए सही में ओके सर एक मिनट आ, ये स्लाइड जो मैंने कॉपी करी है आ, जो लिखी है आ, इसका पीडीएफ, डेली बेस पे तो बहुत सारे नोट हो जाएंगे फिर तो डे वाइज फिर कभी मेरे को वो डे का चाहिएगा तो चलो एक बार तो जो एक बार वीडियो क्लास में है वो तो आप एक बार इसका क्लिक कर लो स्लाइड्स का और आप लोग के लिए देखते क्या कर सकते हैं अपने मैं सोचता हूँ डे वाइज के अंदर क्यों क्या होता है जैसे मान लो मैंने ये स्लाइड पढ़ाया आपको आज ये वाला इसका रेफरेंस अगर मेरे को मान लो डेट नंबर ट्वेंटी में आया तो समझना फिर ये ढूंढना अगर एक ही स्लाइड होगी तो उसमें मैं ढूंढ सकता हूँ सर तो देखता हूँ चलो सोचते हैं सर को सोल्यूशन निकाल देंगे इस ओके एंड में दूंगा तो रोज क्या करोगे आप अच्छा रोज उसको अपलोड कर दें ओ ठीक है ठीक है डे दे लिख देंगे चलो ठीक है ठीक है वीडियो क्लास में भी जो है प्लीज है क्लिक या आप भी अगर इफ यू कैन क्लिक देन <coughs> समझ में आया आपको पॉइंट पक्का गुड ओके ओके डन चलिए सरकार मिलते हैं ब्रेक के बाद माहौल